विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंच में आसीन परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संसमाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, दो दिवसीय कबीर गोष्ठी समागम का यह आयोजन आप सब श्रवण कर रहे हैं। वैसे भी ज्येष्ठ का महीना पूरे कबीरमय रहता है, हर जगह अपने अपने ढंग से कबीर गोष्ठी, कबीर विचार गोष्ठी, सत्संग का आयोजन कबीर जयंती के इस अवसर पर किया जाता है। और आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी कबीर अनुयायी हैं, कबीर विचार को सुनने और मानने वाले लोग हैं, वहाँ पूरे एक महीने तक कबीर विचार गोष्ठी कार्यक्रम चलता रहता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे पता है कि इस गांव में भी काफ़ी समय से, वैसे 15 साल पहले मैं खुद आया था, शायद गांव के लोग कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन 15 साल पहले भी इसी आसपास में एक कार्यक्रम हुआ कबीर जयंती के नाम से, एक दिन का, उसमें भी सम्मिलित हुआ था। पुनः आपके बीच कबीरी विचार गोष्ठी की इस पावन बेला में आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे आज की पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, कबीर विचारों की ओर ही जा रही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो आज का आदमी पहले से भी ज्यादा रूढ़िवादी, भ्रामक, चमत्कार, अंधविश्वास और छुआछूत जात पात से घोर डूबे हुए, आश्चर्य होता है। संत लोग भी सोचते थे, विचार करते थे, समाज सुधारक भी इस बात को समझने का प्रयास करते थे कि दुनिया के लोग शिक्षित हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे और अच्छी जिंदगी जीने लग जाएंगे तो शायद समाज से कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी, छुआछूत की भावना समाप्त हो जाएंगी, जात पात समाप्त हो जाएंगे, रूढ़िवादी समाप्त हो जाएंगी, पाखंड, चमत्कार, भ्रम और अंधविश्वास भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक अनुसंधान को ही साधन बना करके उसी भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास का जोरों से प्रचार किया जा रहा है। जातिवाद में अखंड लोग डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब 600 साल पहले जितना प्रासंगिक थे, उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक आज है। जितनी जरूरत सदगुरु कबीर साहब को उस समय नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उनके विचारों की जरूरत अब है। और ये कबीर विचार की पराकाष्ठा नहीं है, ये कबीर विचार की विजय नहीं है, बल्कि इस भारत भूमि का दुर्भाग्य है। जिस भारत भूमि ने महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्मा को जन्म दिया, महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, कबीर, ऐसे महान विभूतियां यहां पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्य है आज भी हम अंधकार के युग में जी रहे हैं। ये कबीर विचार गोष्ठी नहीं है,
बल्कि ये अपने जीवन का मूल्यांकन करने की गोष्ठी है, अपने जीवन को समझने के लिए है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। निसंदेह आप सब कबीर विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं और मैं इस आयोजक बंधुओं को लाख लाख धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उसके मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तपती गर्मी में और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था दी, इसके लिए आप लोग करा एक बार तारीख बजाए। लेकिन इन सब करने की सफलता विशेषता तब होगी या फिर आपने जो समय दान दिया, पैसा दान दिए और इतना बड़ा आयोजन किए, इन आयोजन की सफलता तब होगी। ये केवल शाम होते होते 10 बजे सफल होने से कार्यक्रम तो सफल हो जाएगा, लेकिन कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये तभी सफल होगा कि आप यहाँ से जब जाएं तो कबीर विचार को अपने दिल में, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में उतार करके संकल्प ले करके जाएं। कबीर साहब ने डंके के चोट पे कहा, कोई भी बात को उन्होंने छुप करके या किसी किताब में लिख करके नहीं कहा। कबीर साहब ने कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ और जो जर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब तो हजार के बाजार में बोलने वाले और किसी पोती पत्रा के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ और चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब इस पंक्ति को मैं दोहराता हूं या सुनता हूं तो आज करके तथाकथित विद्वान लोग जो अपने को भारतीय दर्शन का, भारतीय साहित्य का, हिंदी जगत का विद्वान मानते हैं वो लोग कबीर साहब को अनपढ़ घोषित करते हैं। कौन लोग? उसी कबीर साहब के साखी दोहा को पढ़ करके पीएचडी करते हैं, उसी कबीर विचार को पढ़ करके विद्वान बनते हैं और उसी को पढ़ करके कबीर साहब को अनपढ़ होने का भी संज्ञा दे देते हैं। किसको? देखो, कबीर साहब ने कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ और चार युग की महत्तम कबीर मुखई जनाई। देखो, कबीर साहब ने कहा कि मैंने कभी मसी और कागज स्याही छुआ नहीं है, इसलिए कबीर तो अनपढ़ थे। लेकिन वो विद्वान भूल जाते हैं, एक अर्धाली को पढ़ लेते हैं, एक लाइन को पढ़ लेते हैं और दूसरे लाइन को काट देते हैं और दूसरे लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने क्या, चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। ये चारों युग की जो महत्ता है, महत्व है, विशेषता है, हमारे संपूर्ण जीवन की, संपूर्ण सृष्टि की जो चर्चा है, उस चर्चा को करने के लिए मुझे किसी कापी कलम या किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे तो मैं बोल करके ही कह सकता हूं। जिसका ज्ञान इतना अथाह हो, जिसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, जिसको कापी और कलम धरने की भी जरूरत पड़े, उसके ज्ञान को क्या हम तौल सकते? लेकिन आज तथाकथित यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्वान जो डिग्री कुछ कागज को लेकर के, और कबीर साहब ने तो कहा कि मैं कागज पर भरोसा नहीं करता, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। शायद हम लोग भी कागज कलम के चक्कर में पड़ जाते। देखो, शिव पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, या फिर अमुक कथाकार ने कहा है, अमुक प्रवचनकर्ता ने कहा है, और इन सब बातों को सुन सुन करके हम करने लग जाते हैं। कबीर साहब ने आप और हम सबको निर्देश दिया कि हे लोगों,
आप जो भी कुछ करते हो पहले विचार करो और विचार करके करो, और विचार करके जब कुछ करोगे, करो विचार जो सब दुख जाई, तो जीवन में सदैव सही दिशा में जाओगे और सफलता को प्राप्त करोगे। कबीर साहब का जीवन आज से 600 साल पहले एक ऐसे समय में उनका जीवन बीता, घर से भी गरीब, मेहनत मजदूरी करके जीवन जिए, समाज में बहुत विसंगतियां थी, एक तरफ हिंदू और मुसलमान आपस में कटिबद्ध थे और दूसरी ओर हिंदू समाज के ही ब्राह्मण वर्ग एक बहुत बड़े समाज को, जिसको आज शूद्र कहा जाता है, जिसको आप एसटी एससी या ओबीसी के नाम से जानते हैं, आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने पढ़ने के लिए ही मना कर दिए थे। एसटी एससी और ओबीसी वाले लोग, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, अब पहले के भाषा में तो केवल शूद्र कह लीजिए, वो सब कोई पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते। हमें सदगुरु कबीर साहब का धन्यवाद देना चाहिए, महात्मा बुद्ध का धन्यवाद देना चाहिए, फूले पेरियार का धन्यवाद देना चाहिए, जिन लोगों ने इस समाज में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए डंका बजाया और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हल मलमूत्रा एक रुधिर एक गोदा और एक बूंद से सृष्टि टची है को ब्राह्मण को शूद्रा। सबको एक लाइन में कबीर साहब ऐसे तार्किक थे, उसने कहा एकाए त्वचा हाड़ मल मूत्रा, सबके शरीर में एक त्वचा है, एक प्रकार का हाड़ है, एक ही प्रकार की लहू यानी खून भी है और एक ही प्रकार का वीरज वीर्य भी है और एक ही प्रकार का सबका जन्म भी होता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब थे, इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है। इसलिए बंधुओं माता बहनों, यहां से आप जब उठ करके जाएं तो अपने दिमाग से जाति का जहर निकाल दीजिएगा, छुआछूत का जहर निकाल के जाइएगा। अगर आप छुआछूत को आज भी मानते हैं, जात पात के घोर जंजाल में फंसे हुए हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कुछ दूसरा तो हो सकते हैं, कबीरपंथी नहीं हो सकते। हाँ, जब तक समाज व्यवस्था है और समाज की एक व्यवस्था है तो शादी के समय में, पारिवारिक समय में आप जाति गोत्र पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बेटा का लेन देन करना है उसलिए पूछ लीजिए। लेकिन बेवजह आप जाति धर्म को मुद्दा बना करके, और ये राजनेता लोग तो और घी में आग में घी डालने का काम करते हैं, आपको फंसाने का काम करते हैं। इसलिए राजनेताओं को भी जाल से मुक्त होइए, जाति धर्म के जाल से भी मुक्त होइए, छुआछूत से बाहर निकलिए। लेकिन कभी कभी मुझे कबीर अनुयायियों पर भी आश्चर्य होता है कि जो कबीर साहब जीवन भर सारे पाखंड को, सारे अंधविश्वास को, सारे चमत्कार को और सारे कुरीतियों को तोड़ने का, निकालने का, साफ करने का प्रयास किया, उसी सदगुरु कबीर साहब को भी अवतारी पुरुष बता देते हैं कि वो आसमान से आया था। हाँ, बहुत ऐसे सारे लोग हैं सदगुरु कबीर साहब को कहेंगे कि वो आसमान से धरती में आए थे, और वो प्रसिद्ध साखी आप सबने सुना ही होगा, पानी से पैदा नहीं श्वास ना ही शरीर और अन्य हर करता नहीं ताका नाम कबीर। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है, इसका अगर सही आध्यात्मिक अगर समझ पाए तो बहुत सुंदर है। मसीह पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर अन्य हार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से क्या पैदा नहीं हुआ, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा किसी पानी यानी रज वीर्य से पैदा नहीं हुआ है, ये श्वास नहीं लेता, ये शरीर श्वास लेता है, शरीर पंचकोश से निर्मित है, शरीर में अंतःकरण है, मन है, लेकिन आत्मा में न शरीर श्वास है, न पानी है, न उसका जन्म होता है, न मरण होता है, और इस काया के अंदर जो वीर है वही कबीर है, वो जिसको आप कबीर आत्मा राम कहते हैं, और उसी को सदगुरु कबीर साहब ने जानने के लिए और जनाने के लिए कहा, हे भाई
जो मेरा परमात्मा है, मेरा राम है, वो कहाँ बसता है? तो जो मेरा राम है, जो मेरा परमात्मा है, दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा, जो मेरा राम है, जो मेरा परमात्मा है, वो दिल में वास करता है। इसलिए कबीर पंथ की विशेषता केवल दो है। इस दो विशेषता को बता करके, दो मिनट मेरा समय शेष है, उसको बता करके मैं अपनी वाणी को विराम करूं। कबीर पंथ की सबसे बड़ी विशेषता आज याद रखिए, कबीर पंथ ये कहता है, कबीर विचार ये कहता है कि आप जो कर्म करते हैं, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें, चाहे जो भी प्रकार का कर्म करें, उस कर्म को कोई माफ करने वाला, क्षमा करने वाला या उस पाप को काटने वाला इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इस सूत्र को याद रख लीजिए। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों व्रत उपवास कर लीजिए, कितनों तीर्थाटन कर लीजिए, कि आपका पाप कटने वाला नहीं है। क्योंकि प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। क्षमा हो जाएगा नहीं। अगर बचना चाहते हैं तो कर्मों का सुधार करिए, जीवन को सुंदर बनाए, ये कबीर पंथ की, कबीर विचार की प्रथम विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि परमात्मा के पीछे हमें नहीं जाना है, हमारे जीवन को ऐसा अनमोल बना लें, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लें, अपने जीवन को इतना पावन बना लें, वो परमात्मा हमारे भी पीछे आएगा। कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्योंकि हमारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा को जानना है और जान करके जागना है। यही कबीर पंथ की विशेषता है, कबीर विचार की विशेषता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो समय दिया वो समय पूरा हुआ। इस आयोजक बंधु को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करूं। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, संत समाज की जय। अभी आज के ये कबीर गोष्ठी सद्भावना सत्संग के मन से हमारे साहेब जी कोमल साहेब जी को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर विचार, कबीर विचार यहाँ पे साहेब जी की ओर से आया निश्चित ही। इन विचारों को हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में उस ऊंचाई को, जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं, शायद उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आइए इस कड़ी पे, विचारों की कड़ी पे, कबीर गोष्ठी सद्भावना सत्संग पे आगे। हमारे बीच उपस्थित प्रखर वक्ता सक्रिय आश्रम से बिलोंग करते हैं, काफ़ी क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी नामी वक्ता है। निसंदेह है ये मंच, ये गांव के लिए संत श्री इंजीनियर अनिल साहब जी किसी परिचय को मोहताज नहीं हैं। हम कई बार सुने हैं, बार बार सुने हैं, और इस बार भी आज इस कबीर गोष्ठी के अवसर पर भी ये सौभाग्य हुआ है कि हम उनको सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। संत श्री इंजीनियर अनिल साहब जी से निवेदन है कि अपने अमृत विचारों से, कबीर विचारों से इस सभा को परिपूरित करने की कृपा करेंगे। सादर निवेदन अनिल साहब जी।
परम पूज्यवर साहिब जी, अर्चनी वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज से डेढ़ वर्ष पूर्व इसी जगह पर सद्भावना सत्संग समिति की ओर से कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में पूरे गांव के लोग, बाहर के लोग, सभी ने काफी सहयोग किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बसरते समय दूसरा रहा, ठंडी का समय था, गर्मी इतनी नहीं, इसलिए उस जगह छोटी पड़ रही थी। ये गर्मी के कार्य, गर्मी के समय सद्गुरु कबीर को लेकर के कबीर विचार गोष्ठी के नाम से यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। काफी मेहनत और मशक्कत आयोजकों ने किया है। महीनों से लगे थे प्रचार प्रसार में, उनके अंदर एक जोश है, एक ऊर्जा है कि हम कुछ करें, कुछ आयोजन करें, कुछ समाज के लिए कुछ नई सीख मिले। आप सब ने सहयोग किया, आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद है। आयोजकों ने यह सत्संग ही चुना, इसलिए उन लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आयोजक तो बहुत होते हैं। हो सकता है नाच गाना पार्टी ऑर्केस्ट्रा कुछ भी कर सकते थे, भागवत कर सकते थे, महापुराण कथा कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने कबीर को चुना है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो सद्गुरु कबीर के विचारों को जनमानस तक फैलाने के लिए एक मन में प्रेरणा जगी और उस प्रेरणा को समाज में बिखेरने के लिए एक प्रयास उनका सफल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में अकेला सद्गुरु कबीर एक ऐसा महापुरुष है जिसके बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं करते हैं। सद्गुरु कबीर के बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं करते हैं। कबीर पंथी के बारे में नुक्ता चीनी हो सकता है, लेकिन सद्गुरु कबीर के बारे में कोई नुक्ता चीनी नहीं हो सकता। कबीर पंथी के बारे में नुक्ता चीनी क्यों होता है? क्योंकि टाइटल लगा लेते हैं हम सब, लेकिन जीवन वैसे नहीं होता है। हम कबीर पंथी है टाइटल है, हम श्री राम के भक्त हैं टाइटल है, कृष्ण के भक्त हैं टाइटल है, राधा स्वामी वाले हैं टाइटल है, गायत्री वाले हैं टाइटल है। जीवन कैसा है? जीवन तो खोखा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कर्मकांड चल रहा है, पाखंड चल रहा है, अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब कुछ चल रहा है, गाली गलौज निंदा चुगली ये सारे कुछ चल रहे हैं। ये टाइटल काम आने वाले नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, कबीर के बारे में कोई ने आज तक कोई उंगली नहीं उठाई कि ऐसे हैं ऐसे हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर ने कोई बंधन नहीं बांधा किसी को, क्योंकि सद्गुरु कबीर ने कोई मत और पंथ नहीं चलाया, कोई संप्रदाय नहीं चलाया। सद्गुरु कबीर साहेब, कबीर पंथ सद्गुरु कबीर साहेब के जाने के बाद चालू हुआ है। सद्गुरु कबीर साहेब का कबीर पंथ नहीं है, कबीर पंथ सद्गुरु कबीर साहब के जाने के बाद में कबीर पंथियों ने एकजुट होकर के कबीर पंथ चलाया, ताकि इससे हम लोगों को सुविधाएं हो सके, हम कबीर पंथी एक जगह बैठ करके चर्चा कर सके, ज्ञान चर्चा कर सके, कुछ सद्गुरु कबीर के विचारों को जनमानस तक फैला सके। इस उद्देश्य से कबीर पंथियों ने एक पंथ चलाया सद्गुरु कबीर के नाम से, कबीर पंथ। ये सद्गुरु कबीर का पंथ नहीं है। सद्गुरु कबीर अपने आप में स्वतंत्र चेतना, उनके अंदर इतनी ज्ञान और इतना ऊर्जा था कि लोग जो भी सुनते उनके हो जाते थे।
जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए उस समय घोर अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, आडंबर, ये सारे चीज चलता रहा, लेकिन मैं कहूंगा आज भी उससे कम नहीं है, आज भी उससे कम नहीं है आज, क्योंकि कबीर साहब नहीं है हमारे सामने जो सत्य को सत्य की तरह कह सके। यदि ब्राह्मणों की बस्ती में कोई ब्राह्मणों के बारे में जाकर के उल्टी सीधी बात करे तो उनके गले से धड़ से उतर जाती थी, ये स्थिति थी जिस समय सदगुरु कबीर साहब थे। ब्राह्मणों के बारे में कोई नुक्ता चुनी नहीं कर सकता था, ब्राह्मणों के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता था और कोई कुछ बोल नहीं सकती थी, वो समय था सदगुरु कबीर साहब के समय। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। जब ब्राह्मणों की स्थिति देखी सदगुरु कबीर साहब ने, उन लोगों का कर्मकांड और पाखंड देखा, तो उन्होंने कहा पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो तो जन्म की सुद्रीन पर से ए पाणे तुम क्यों खाया। इतना कटु शब्द कहना, इतना तीखे और प्रहार करना, इसका अर्थ बता दूं आपको। ब्राह्मणों की बस्ती मतलब समझते हैं सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व, जो ब्राह्मण कहे थे वही होता था, ब्राह्मण के अलावा किसी का नहीं चलता था। आज तो पूरे भारत में स्वतंत्र है, हर आदमी जिसको मानना चाहे माने, जिसको ना मानना चाहे मत माने, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व चलता था, ब्राह्मण जो कहते थे वही चलता था। ब्राह्मण कुछ भी करे लेकिन उसकी पूजा करो, ब्राह्मण पूज्य प्रियशील गुणहीना एक पुस्तक है, ब्राह्मण चरित्र से जैसा भी हो लेकिन पूज्य है, प्रिय है, उसका चरित्र नहीं देखा जाता, इतना सारा है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उस ब्राह्मणों के नगरी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना। ब्राह्मण का पहचान क्या है? जनेऊ पहन करके ब्राह्मण मानते हैं, पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, ये ब्राह्मण का पहचान है। आज कबीरपंथी अपना पहचान क्या मानते हैं? कंठी पहन लिए कबीरपंथी हो गए, जीवन जैसा भी हो चलेगा। सुबह सुबह जाकर के राम मंदिर में पूजा कर लिए, राम भक्त हो गए, भाई से दुश्मनी चल रही है, भाई से पेशी अदालत चल रहा है, एक एक फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कई सालों हो गए पेशी, लेकिन भाई श्री राम के भक्त है ना, चलेगा। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहेब ब्राह्मणों के वर्चस्व रहते हुए उन्होंने कहा पहरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना। यदि तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण कहते हो अपने आप को, तो मेहरी तुम अपनी पत्नी को तो जनेऊ नहीं पहनाए हो, वो तो जन्म का सुदृढ़ हो गया, जन्म का शूद्र हो गया, उनके पारस किए हुए, उनके जो बनाए हुए भोजन को तुमने कैसे खाया, सदगुरु कबीर साहब का प्रश्न है। इतना तीखे प्रहार करना ब्राह्मणों के नगरी में रह करके, सोचिए सदगुरु कबीर साहब कैसे विरला रहे होंगे। सदगुरु कबीर साहब ने आडंबर और अंधविश्वास, चमत्कार को किनारे करने का प्रयास किया, लेकिन जिस समय सदगुरु कबीर साहब रहे उस समय आडंबर चमत्कार कितना रहा तो पता नहीं, लेकिन शायद मैं कहूंगा आज उससे कम नहीं है, आज उससे कम नहीं है। जिस आदमी को कुछ नहीं आता एक मंदिर खोल करके बैठ जाए, उनका पेट रोजी चलेगा, उनका बिजनेस चलेगा। आप ही के गांव में जितने हॉस्पिटल नहीं होंगे और जितने स्कूल नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा मंदिर होगा, आप देख लीजिएगा, पूरी गणना कर लीजिएगा, हर गांव की स्थिति है। आज आदमी को ये पता नहीं है कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ नहीं झुकना चाहिए, कहाँ मत्था टेकना चाहिए, कहाँ मत्था नहीं टेकना चाहिए, कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं दान करना चाहिए, ये सारे चीज पता नहीं। आदमी अंधविश्वास और चमत्कार में दौड़ता चला जा रहा है और अपना एक एक पाई जोड़ जोड़ करके मंदिर में जा करके चढ़ाता है या किसी पुजारी के पेट भरण का काम करता है। आपको कई उदाहरण बता दूंगा मैं और कह चुका हूँ, आज से करीब 1.5 साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी थी तो उनके यहाँ से 35 करोड़ सोना निकला था और 36 करोड़ रुपया कैश निकला था। हम किसको चढ़ा रहे हैं? आज से 6 महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ उनकी 2 बेटियों की शादी हुई तो उन्होंने 125 किलो सोना लिया था। आप कहाँ पूजा करते हैं? अंधविश्वास और चमत्कार सदगुरु कबीर मंच में ही
खुला जवाब दिया जा सकता है। बाकी लोग तो डरते हैं, कहीं ऐसे बोल देते कि आज सबसे ज्यादा होड़ मचा है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। और आज से एक महीना पहले एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल वाला को एक व्यक्ति ने श्रद्धा और भक्ति से नारियल फेंका तो उनके सिर पे चोट लग गया, एक जगह कार्यक्रम कैंसिल करके वो हॉस्पिटल में थे। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल उनको काम नहीं आया है। क्यों आप दौड़ते हैं, क्यों भोलेनाथ में पानी चढ़ाने के चक्कर में अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं? आपकी श्रद्धा है करिए, मैं इसका रोक टोक ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये कहना कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल एकदम झूठ है। मैं क्षमा चाहता हूँ इस कटु सत्य के लिए। किसी की श्रद्धा है और कोई ले जाकर के पानी चढ़ा रहा है, उनकी श्रद्धा को नमन है, वो करे, लेकिन पूर्णता है। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या आप सच में भगवान के प्रति श्रद्धा करते हैं? वो जरूर उत्तर देंगे, हाँ मैं भगवान से श्रद्धा, भगवान के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है और भक्ति है। मैं उनको कह सकता हूँ आप झूठ बोलते हैं। वो कह सकते हैं आप कैसे कह दिए? वो कहेंगे मैं रोज भगवान के पास जाकर के पानी चढ़ाता हूँ, रोज भगवान की पूजा करता हूँ और सप्ताह में एक दिन भगवान के लिए उपवास रहता हूँ। क्या मैं उनको एक प्रश्न फिर से करना चाहूँगा, आपके जन्म देने में उस भगवान का कितना हाथ है? आपके लालन पालन करने में उस भगवान का कितना हाथ है? आपको बड़े करने में बचपना से लेकर के 25 साल तक आप बेहुदा जिंदगी जीते, उसको सवारने में क्या उस भगवान का हाथ है? आपको माँ का स्तनपान कराने में क्या उस भगवान का हाथ है? आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशन करते हैं, IPS IAS अफसर बनते हैं, क्या उसमें भगवान का हाथ है? आप इसका उत्तर आप ही देंगे, क्या उस भगवान को हाथ है? आप कौन से भगवान को मार रहे हैं? ये कबीर विचार में ही बोला जा सकता है। क्या उस भगवान का हाथ है? इतना सब कुछ करने में उस भगवान का कोई हाथ है? आपकी श्रद्धा है, आप लोटा में ले जाकर के पानी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आपका नियम बना है, मैं उसको रोकता नहीं हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको जरूरत है, उस भोले में पानी मत चढ़ाइए, चढ़ाइए आपकी श्रद्धा, लेकिन जरूर अपने भोले में पानी चढ़ाया करिए। आपका भोले आपके पति है, आपके भोले आपके पति है, आपके पति के सामने चरणों तक लीजिए, आपके पति का सिर मत्था टेकिए, उनके सामने जाकर के उनकी आरती उतारिए, कभी नहीं होता है जीवन में। और सबसे बड़े भगवान हमारे वेद में चार देवता माने जाते हैं, मातृदेव, पितृदेव, अतिथि देव, आचार्य देव। माता पिता देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है। क्या इसकी आपके घर में चर्चाएं होती है? आप सभी लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि माता पिता की कितने लोग आरती उतारे होंगे? तो यहाँ खड़े करना होगा हाथ, ना तो कोई दो चार खड़ा हो जाए तो हो जाए, ना किसी का हाथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता को भगवान मानते ही कहाँ है? माता पिता को तो भगवान माना ही नहीं जाता है। यदि इंसान को भगवान माना जाए तो लड़ाई किसके साथ में करा जाएगा? अगर इंसान को भगवान माना जाए तो छल कपट किसके साथ में किया जाएगा? यदि इंसान को भगवान माना जाए तो जीवन में आनंद कहाँ आएगा? भगवान तो उनको माना जाता है जो बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, डोलता नहीं, उसको भगवान माना जाता है। माता पिता को भगवान नहीं माना जाता है। आप भगवान को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। आप या तो मूर्ति के पुजारी हो सकते हैं, या कटु शब्द में कहा जाए तो एक पत्थर की पुजारी हो सकते हैं, भगवान की पुजारी नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, ये कटु शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी आपने भगवान की पूजा नहीं किया, सिर्फ मूर्ति की पूजा किया है, चित्र की पूजा किया है, या एक पत्थर की पूजा किया है। अब कभी आपने रीजनल भगवान, जो प्राकृतिक भगवान है, जो जिसमें रीजनलिटी है, जिसमें पर्सनालिटी, उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उस भगवान के सामने आपने आरती जला करके प्रज्वलित करके एक आरती नहीं उतारा है, उनके सामने उनका पैर कभी धो करके नहीं पिया है, उनके सामने कभी मत्था नहीं टेका है। श्रद्धा और भक्ति से बस गांव से आते हैं तो मत्था टेक लेना, वो तो एक सिस्टम है, गांव से आए मत्था टेक लिए। इसलिए कबीर विचारों में सारी चीज कहा जा सकता है। और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चा हमारा कहा नहीं मानते। आपने सारे चीज सिखलाया ही कब है? कब सिखाए कि माता पिता के सामने चरणों में मत्था टेकना चाहिए?
और कबीर पंथ, कबीर विचारों को जानने के बाद में मन से सारी चीज उतर जाना चाहिए। सदगुरु कबीर ही एक ऐसे तमाम भ्रांतियों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे भारत एक ऐसा देश है जहां, जिस देश में कोने कोने पर भगवान बिठाया जाता है, जिस देश में नदी को, नालों को, पहाड़ों को, तीर्थों को भगवान माना जाता है, उसी जगह में इतना अपवित्रता होती है, इतनी अपवित्रता की कहा नहीं जा सकता। जिस देश में थाईलैंड, इजराइल, जहां यहां भी चले जाइए, जहां भी आपका मन हो, यूएस चले जाइए, दुबई चले जाइए, ईरान चले जाइए, कहीं भी जहां भगवान नहीं माना जाता, किसको भगवान नहीं माना जाता, नदी को, नाला को, तीर्थ स्थलों को, पर्यटक स्थलों को भगवान नहीं माना जाता, वहां पूरा पूरा साफ दिखाई देता है नदी नाला। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां नदी नाला को भगवान माना जाता है, वहीं आदमी गंदगी करते हैं, कौन सा भगवान मानते हैं। सदगुरु कबीर के विचारों को सुनने के बाद भी यदि दिमाग में बातें नहीं बसी तो कौन सा सिख सीखते हैं आप। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे संत ने कहा सदगुरु कबीर साहब की एक साखी उन्होंने, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पीछे पीछे हरि पिए कहत कबीर कबीर। एक साखी यदि जीवन में उतार लेना तो आपका घर घर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, और घर के सारे सदस्य देवी देवता नजर आएंगे। सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति, जाको मन निर्मल भया, मन निर्मल हो गया। उदाहरण देते हैं, लोग कहते हैं कबीर पंथी कुछ नहीं मानते, मैं आपको बताना चाहूंगा कबीर पंथी मानते हैं और सदगुरु कबीर साहब भी मानते हैं। जिस समय सदगुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष हुए, उस समय सदगुरु कबीर साहब गंगा नदी का उदाहरण देते हैं, निर्मल भया जैसे गंगा नीर, निर्मल मन कैसे निर्मल हो जाना चाहिए, जैसे गंगा नीर, जैसे पानी का, जैसे गंगा का नदी पानी पवित्र है, साफ है, निर्मल है, वैसे आपका मन निर्मल हो गया, फिर आपको किसी आत्मा और किसी परमात्मा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, किसी देवी और देवता, किसी भगवान और खुदा, किसी गार्ड के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, फिर आपके पीछे परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कितना सटीक उदाहरण देते हैं। अब मन निर्मल कैसे होना चाहिए, जिसका मन निर्मल होगा वो माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, देरान के साथ, जिठान के साथ, पड़ोसी के साथ, बच्चे के साथ छल कपट नहीं करेगा। आप लोग कितना छल कपट करते हैं अपने बच्चे के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ कितना वैर करते हैं, आप अपने भाई के साथ कितना वैर करते हैं, पर भी हम धार्मिक बने हैं, धार्मिक लेबल लगा हुआ है, लेकिन लड़ाई और झगड़ा कम नहीं होता, राग और द्वेष कम नहीं होता धार्मिक। इसलिए मैंने पहले ही शुरू बात करने से पहले ही कह दिया, टाइटल लगाना अलग बात है लेकिन जीवन में आचरण करना अलग बात है। हम सिर्फ टाइटल लगाते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कर्मकांड मन से नहीं हटता है, आदमी जादू टोना, भभूत, तंत्र मंत्र, इसी चक्कर में अपने समय को बर्बाद करते हैं। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इंसान भगवान है, यहां से जाना तो इतना ही सीख करके जाइए तो आप कम से कम माँ बाप की आरती करना तो सीख जाइए। सच में कहूंगा कि एक सत्संग करना सार्थक हो जाएगा और आपके घर में एक नए प्रेम का ज्योति जलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर के बच्चों को एक नए संस्कार अर्जित करना शुरू करेंगे आपके बच्चे, और आपके बच्चे आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। आपने ही अपने माँ बाप से दूरी बना करके रखा है, आप ही अपने माँ बाप को किनारे करते चले जा रहे हैं, और बच्चे से कितना प्रेम करेंगे। बस एक मन में लालसा होती है, मैं हर जगह इस चीज को कहता हूं कि आदमी अपने बच्चे को सही बनाना चाहते हैं, बच्चे प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, आपके कहने से क्या होता है। एक आदमी सोचता है मेरा बच्चा प्रोफेसर बन जाए, कम से कम अच्छा पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लोगों को कुछ करेगा, फिर सोचता है नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं बच्चे को डॉक्टर बना लूं, कम से कम अच्छे से डॉक्टरी करेगा, कुछ पैसा कमाएगा, नहीं इससे अच्छा तो है आईपीएस अफसर बन जाए, फिर सोचता है आईपीएस अफसर बन जाए तो इतना पैसा होगा उनके पास,
आईएएस अफसर बन जाए, फिर सोचता है। देखिए आदमी आप क्या सोच रहे हैं, आप सबके अंदर उड़ान भर रही है मेरे बच्चे ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। फिर वो आदमी क्या सोचता है, मेरे बच्चे सब कुछ हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ हो जाए तो सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं? आपने तो सब कुछ बनाना चाहा, लेकिन आपके बच्चे क्या चाहते हैं आपने सोचा है? एक बच्चा ने कहा, मैं बनना चाहता था आर्टिस्ट अच्छा से, लेकिन मेरे पिता ने मुझे आईपीएस अफसर बनाने में पूरा रात और दिन लगा दिया, और उनका इतना दबाव था कि मैं आईपीएस अफसर बन गया। लेकिन आईपीएस अफसर बन गया, मैं सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूं, लेकिन सक्सेसफुल होते ही भी मैं विभिन्न होकर के जीवन जी रहा हूं। क्योंकि जब जब मैं आईएएस अफसर बना हूं, जैसे ही ऑफिस में जाता हूं मेरा सिर दर्द बढ़ जाता है, मेरा टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे सामने वो प्रेम ही नहीं वो काम करने में, क्योंकि मैंने पिता के दबाव पे आकर के काम किया है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चे पर कभी दबाव मत डालना, कभी मत कहना तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, आईपीएस अफसर बन जाओ, आईएएस अफसर बन जाओ। ये दबाव कभी अपने बच्चे के अंदर मत डालना। वो बच्चे जो बनना चाहे उनसे पूछ लो क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के दबाव पर आकर के मैं आईएएस अफसर बन गया, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ क्या बताऊँ। मेरे पिताजी कहते थे तुम नहीं बनोगे आईएएस अफसर तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, बार बार कहते थे। उनके दबाव पर आकर के मैं आईएएस अफसर बन गया, और आज मैं सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ दुखी होकर के जीवन जीता हूँ। हर रोज़ मेरे आत्महत्याएँ में हर रोज़ हत्याएँ हो रही है मेरी। एक दिन पिता का फिर से फोन आता है, पिता कहता है बेटा मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ लिया हूँ, उससे शादी कर लेना। बच्चा बोलता है पापा मैंने पहले से एक लड़की से मेरी बात हो चुकी है, मैं उनसे कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उनका पिता क्या बोलता है, बेटा इनसे शादी कर लो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बच्चा कहता है महाराज जी जब पिता ने कहा कि फिर इससे शादी कर लो, मैं उनको हाँ बोल दिया हूँ नहीं तो आत्महत्या कर लूँगा, तो बच्चा बोलता है महाराज जी मैं बोलते बोलते रुक गया, मैं 15 साल से रोज मेरी आज आत्महत्या हो रही, पापा तुम आज एक बार आत्महत्या कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाला था लेकिन बोलते बोलते रुक गया। कहीं आपके बच्चे आपसे ऐसे नफरत न करना शुरू कर दे, आपके बच्चे आपसे नफरत न करना शुरू कर दे। आप जिन रास्ते पर चलते हैं, आप जिन मार्ग को पकड़े हैं, जिस कर्मकांड और पाखंड को पकड़े हैं, बच्चे आपसे देख करके पापा क्या करते हो, रोज घंटी हिलाते हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, गाली गलौज तो देते ही हो, दारू का बोतल कम ही नहीं हो रहा है, अंडा मांस मछली खा ही रहे हो, कौन सा घंटी हिला रहे हो। ये घंटी हिलाने से जीवन में नहीं बदला। रोज कबीर वाणी का पाठ कर रहे हो, रोज राधा स्वामी का सत्संग सुन रहे हो, रोज गायत्री का पाठ चर्चा कर रहे हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आपके बच्चे कहीं आपसे नफरत करना शुरू न कर दें, आपके बच्चे कहीं आपसे दूरी बढ़ाना ना शुरू कर दें। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं, इतना प्रभावशाली बनाएं कि आपके बच्चे आपके चरणों में झुकने के लिए तैयार हो, आपके बच्चे आपको देखते ही श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो जाए और आपके आपके सामने आकर के मत्था टेके, आपके चरणों में लिपट जाए, आपसे गले लग जाए, आपके बच्चे आपसे प्रेम करें। आज की पीढ़ी को यही संस्कार की जरूरत है, इसलिए मैं बच्चों के संस्कार पर बार बार प्रेरित करता हूँ। अंधविश्वास और चमत्कार में अपने जीवन को मत खोपिए आप, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदमी एक पाई पैसा कमाता है और मंदिर में ले जाकर के यज्ञ करता है, हवन करता है, तर्पण करता है। आदमी पैसा कमाता है और बलि चढ़ाता है, आज कोई देवी देवता बलि नहीं मांगता है। क्या कर्मकांड नहीं है, क्या पाखंड नहीं है? आदमी अपने मुख के लालसा के कारण आदमी निरीह जानवरों को मार रहा है। ना जाने हमारे भारत देश में एक दिन में कितने हजारे गाय कट जाती है। क्या यही भारत एक ऐसा देश है धर्म प्रधान देश? यही भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां ना जाने कितने लाशें गिरती है, कितना बलात्कार होता है, कितना खून खून होता है। ना जाने यही एक भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां बड़े बड़े धर्म अधिकारी लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े
जो प्रवक्ता लोग हैं आदमियों का शोषण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप इन शोषण के चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं बार बार इन चीजों को दोहराता हूं कि आप अंधविश्वास और चमत्कार आडंबर में पढ़ करके अपने जीवन को मत थोप देना। आप एक स्वतंत्र चेतना है, आज आपको अवसर मिला है, आज अपने बच्चों से माँ बाप से प्यार करके सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आज भी आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप आज भी अपने बच्चे से आपको प्यार नहीं है, आपको कटु वचन बोलने से जितना प्यार होगा उतना आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। आपको अपनी आदत से जितना प्यार है उतना आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है। आपको अपने कहना चाहिए जो गलत बुरी आदतों पे जिससे चल रहे हैं उससे माता पिता हैरान है, बच्चे हैरान है, क्योंकि आप माँ बाप से और बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। आज आपका स्वस्थ शरीर है, आज आप आनंद और बादशाहत के जीवन जी सकते हैं। आज आपका स्वस्थ शरीर है, माँ बाप से प्यार कर सकते हैं, माँ बाप के चरणों में मत्था टेक सकते हैं, माँ बाप को सम्मान कर सकते हैं। उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, बेचारे माँ बाप के लिए तरसते हैं। उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है, माँ बाप के उनके उनके सर से छाया हट गया है, वो माँ बाप के लिए तरसते हैं, बिलखते हैं। और जिनके माँ बाप हो, माँ बाप को परेशान करते हैं। उनसे पूछे जिनके बच्चे नहीं हो, बच्चे मेरे कोख में बच्चे आ जाए, ना जाने कितने डॉक्टर इलाज करते हैं, जादू टोना दंतर मंत्र दुआ पंडितों के पास जाते हैं, झाड़ा फूक कराते हैं, ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, और आपके बच्चे होने पर भी आप जीवन को सुंदर नहीं बना पा रहे हैं। आपके रहने के लिए सुंदर मकान है, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था है, पहनने के लिए कपड़ा है, घर में बच्चे हैं, पर भी आपके घर में महाभारत युद्ध चल रहा है, पर भी बच्चे इस दुनिया के चकाचौंध में दौड़ते चले जा रहे हैं। एक निवेदन और करना चाहूँगा, आज की आबू हवा आपने ऐसा बनाया है, आपके घर को माहौल को ऐसे बनाए हैं, आज जितना आदमी को शराब की लत होती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा आज आदमी को हो गया है मोबाइल की लत। शराब की लत तो सुने रहे हैं, लेकिन मोबाइल की लत ऐसा लत हो गया है। अभी 2 महीना पहले एक मोबाइल में मैंने देखा, एक आदमी मोबाइल रोज देखता था। वो बच्चे को कहा तुम मोबाइल मत देखो, उनके माता पिता मोबाइल नहीं दिए, बच्चे सोया तो सोया रह गया। करीब करीब आज कम से कम 6 महीना हो गए वो बच्चे कोमा में है, अभी उठा नहीं है। हकीकत घटना ही मोबाइल की लत, 6 महीना से वो बच्चा कोमा में है, बच्चा कोमा से नहीं उठा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, बच्चे को लत मत सिखाइए, बच्चे को चीज़ें मत सिखाइए जिससे बच्चे का जीवन तबाह हो जाए। बच्चे को वो पाठ सिखलाइए जिससे आने वाली परंपरा, आने वाली पीढ़ियों उन चीज़ों को सीख पाए। इसलिए सद्गुरु कबीर विचारों का महत्वपूर्ण है कि सद्गुरु कबीर के विचारों में भ्रांतियां नहीं है, सद्गुरु कबीर के विचारों में कर्मकांड नहीं है, सद्गुरु कबीर के विचारों में पाखंड नहीं है। आज इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं। आज हर व्यक्ति कबीर को स्वीकार रहे हैं, कबीर को हर व्यक्ति ने स्वीकारा है, क्योंकि कबीर किसी को काटने का प्रयास नहीं किया, कबीर ने सबको लेकर के चला है। सद्गुरु कबीर में वो ताकत था कि सबको स्वीकार किया, सबको जीने का राह बताया और सबको सही दिशा की ओर ले चले गए। लेकिन आज के जो नेता हैं, आज के जो प्रवक्ता है, आज के जो विचारक है, आदमी को गलत दिशा में ले जा रहा है, कर्मकांड और पाखंड में ले जा करके आदमी को फंसाते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन पुनः करना चाहूँगा, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने बच्चों को सही दिशा की ओर ले जाइए। और मैंने एक निवेदन खास किया कि आप अपने बच्चे को सही पाठ सिखलाइए, मोबाइल से बचा करके रखिए, और अपने बच्चे को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पहनना है, ये चीज सिखाइए। आज के माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगे हैं, कहेंगे कैसे बोल रहे हैं। आज के माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगे हैं। एक जमाना था जब आदमी के पास पैसा नहीं होता था तो गरीबी के वजह से कपड़ा नहीं पहन सकते थे, छोटे छोटे मैले कुचेले कपड़ों पर रहते थे, एक जमाना था। लेकिन आज एक ऐसा जमाना आया है कि पैसा होने के वजह से आदमी छोटे कपड़े पहन रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए नहीं, पैसा है इसलिए छोटे कपड़े पहन रहे हैं। जिन कपड़ों को आप 150 रुपये में लेते हैं वो कपड़ा, सिंदर से कपड़ा आपका शरीर पूरा ढक जाएगा,
उन कपड़ों को आप नहीं लेंगे, उन कपड़ों को लेंगे जो 1500 रुपये मिलेगा, जिससे आपका शरीर भी नहीं ढकेगा। आज के हर माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलना शुरू हुआ, जींस ट्राउजर पहना दिए, छोटे छोटे कपड़ा पहना दिए, क्यों आप इतना नरक में ले जा रहे हैं बच्चे को? और कहते हैं बच्चे संस्कारवान नहीं है। आपने सिखाया ही कब है कि बच्चे संस्कारवान होगा? आपने कब सिखाया है संस्कार की परिभाषा? मैं हर जगह कहता हूं इस चीजों को, फिर से कह दूं जब बात आती है तो, कि आपने बच्चों को सही दिशा की ओर ले ही नहीं गए। आप बच्चे को इंजीनियर बनाना सिखाते हैं, मास्टर बनाना सिखाते हैं, वकील बनाना सिखाते हैं, धन कैसे कमाना है सिखाते हैं, नौकरी कैसे करना है सिखाते हैं, मोबाइल कैसे चलाना है सिखाते हैं, मकान कैसे बनाना है सिखाते हैं। क्या बच्चों को सिखाए हैं आपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने कभी नहीं सिखाया है। क्या आपने सिखाया बच्चों को जीवन को कैसे जीना चाहिए? माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए? अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए? घर में परिवार में कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए? ये चीज सिखाया ही नहीं है। बल्कि पूरे परिवार के साथ में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और ना जाने कितने पुराने तेल से उबाल करके आपके पास सामने पकौड़ी लाते हैं, ना जाने कितना ही यूज हुआ तेल है, उन तेल को आप खाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में कैंसर हो रहा है। आप जानिए इस चीज़ को। मैं सिर्फ अध्यात्म की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, आपको जीवन की भी परिभाषा पढ़ लेना चाहिए। आज हमारे भारत देश में जितना बोतल वाले तेल खरीद रहे हैं ना, रिफाइंड तेल, जितने भी रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं, वो तेल से सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँ, तेल कम खाइए, लेकिन तेल भी खाइए तो आप शुद्ध सरसों तेल का उपयोग करिए, शुद्ध सरसों तेल का प्रयोग करिए। हमारे भारत देश में हर साल न जाने सबसे ज़्यादा केस आ रहा है तो रिफाइंड तेल से कैंसर होता चला जा रहा है। आप इन जहर को मत खाइए, कम से कम उपयोग करिए। आप कहेंगे साहेब जी आप ही लोग भी तो खाते हैं, आप लोग देते हैं इसलिए वही चीज़ खाते हैं, फेंक भी नहीं सकते हैं, मजबूरियाँ भी है हमारे पास। आप लोग सरसों का टिप्पा टिप्पा तेल ला करके रख देंगे तो वही खाएंगे, आप लोग तो रिफाइंड तेल ही ला करके रख देते हैं, लो साहब खाओ, ज़्यादा दिन जी करके क्या करोगे, ठीक है भैया वही खाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छी चीज़ों को खाइए, बच्चों को सही कपड़े पहनाइए। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, बच्चों को उलुल जुलुल कपड़े मत पहनाइए, सभ्यता की परिभाषा सिखलाइए। आज के बच्चे असभ्य होते चले जा रहे हैं, और जीवन का निर्माण करिए आप। अंतिम में जीवन का उद्देश्य है अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, उसके लिए आप समय दीजिए। अत्यंतिक सुख, वह सुख अध्यात्म की अंतिम निचोड़ है ये। अत्यंतिक सुख उसको कहा जाता है, वह सुख जो कभी नहीं छूटने वाला है, उस सुख के पीछे आप समय दीजिए। अत्यंतिक का मतलब होता है जो कभी नहीं छूटने वाला है। क्या उस सुख के लिए आप समय देते हैं? क्या उसके लिए आप समय निकालते हैं? कभी बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा होती है, कभी बैठ करके ज्ञान चर्चाएं होती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं आप सभी से कम आप जिस मत से, जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से, जिस गुरु से जुड़े हैं, उनको कम से कम साल में एक बार दो बार अपने घर में बुलाइए और छोटा मोटा आयोजन करिए। जिससे आप जुड़े हैं, जिन समाज से जुड़े हैं, चाहे गायत्री से जुड़े हों, चाहे राधा स्वामी से जुड़े हों, जिनसे भी आप जुड़े हों, उनको बुलाइए और कुछ छोटा मोटा आयोजन करिए। और यहाँ बैठे सभी आत्मीय बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि कबीर विचार को सुनने के बाद में आपके जीवन से भ्रांति खत्म हो जाना चाहिए, साथ साथ अंडा मांस मछली बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा ये सारे चीज़ उड़ जाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, वही विचारों की जरूरत पड़ती है बार बार, कि विचार शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते, बल्कि शराब पीने वाले माँ बाप की जो उड़ान, माँ बाप की जो मन की चेहरा है, जो मन की मुस्कान, मन की प्रसन्नता है और चेहरे की मुस्कान है, वो भी पी जाते हैं। और जो बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता होती है, मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ, IPS अफसर बनूँ, IAS अफसर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, मास्टर बनूँ, वो भी आप जब जब शराब पी करके आते हैं, आपके बच्चे तब तब उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है, वो मिट्टी पलीद हो जाता है, तब तब मिट्टी पलीद हो जाता है। आत्मी बंधुओं, आपके बच्चे आपका सम्मान करें। आप ऐसे शब्द को चुन करके बोलना कि आपके बच्चे उन शब्दों को काट ना पाए।
आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे बोलना, ऐसे चलना कि आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके। ये बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ। आपके बोलने में छिछलापन नहीं होना चाहिए, आपके वाणी में कटुता नहीं होना चाहिए। आप बोलो तो मीठा बोलो, मधुर बोलो, आपके बोली में शुगर घुला होना चाहिए। आप प्रीकर बोलो, हितकर बोलो। कई लोग जीवन को जीते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल हो जाता है, बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उस समय पकड़ करके जकड़ करके बैठे रहते हैं और ऐसे ऐसे कटु शब्द निकलते हैं कि लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनके ही बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते, उनके ही नाती पोते उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे दूर भागते चले जाते हैं, उनके ही बच्चे उनसे दूर भागते चले जाते हैं। अपने बच्चे, आपके बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे आपसे नफरत ना करें। आज हर घर में बगावत खड़ा होता चला जा रहा है। आज घर नहीं बटता है, परिवार नहीं बटता। आज घर और परिवार, मकान दुकान ही नहीं बढ़ते हैं, बल्कि परिवार भी बट करके विखंडित हो जाता है। आज परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। संपत्ति बस को नहीं बांटा जाता है, प्रेम और प्यार को भी बांट लिया जाता है। माँ बाप से नफरत का बीज बो दिया जाता है। जीवन नरक बन जाता है, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सुंदर जीवन का निर्माण करिए। समय मुझे दिया गया था, उस आधार पर मैंने सद्गुरु कबीर के विचारों को आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास किया। आज अवसर मिला है, पुनः निवेदन करना चाहूँगा, आज अवसर मिला है, आज सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आज अवसर मिला है, माँ बाप से प्रेम कर लीजिए। आज माँ बाप को बुढ़ापे की अवस्था में सिर्फ बच्चे का प्यार चाहिए, बच्चे का सम्मान चाहिए। माँ बाप बुढ़ापे की अवस्था में अपने बच्चे से धन नहीं चाहता है, मकान और दुकान नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता है, बस माँ बाप अपने बच्चे से प्यार चाहता है। आप कितना सम्मान करते हैं माँ बाप को? जब जब आप माँ बाप को प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं, जब जब आप माँ बाप के सामने मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका चौड़ा सीना हो जाता है। आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो गर्व से कह सके कि माँ बाप ने मुझे ऐसा जीना सिखाया है, माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है। मैं आज माँ बाप से ना जाने कितने हजारों कोसों दूर हूँ, पर भी मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार मुझे बार बार झुकता है, बार बार मैं उनके चरणों में मत्था टेकता हूँ, बार बार उनके संस्कारों को नमन करता हूँ, मुझे बार बार उनके बातें याद आती है। मैं कुपथ मार्ग पर नहीं चलता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। मैं बार बार उन माँ बाप को वंदन करता हूँ। आप के बच्चे ये चीज कह सके, आपके बच्चे ये चीज गर्व कर सके कि आपके बच्चे, मेरे बाप, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है, तो समझता हूँ मैं इतना विचार सुनने के बाद जो गुटखा खाते होंगे वो गुटखा छोड़ देंगे, शराब पीने वाले शराब छोड़ देंगे, और माँ बाप से नफरत करने वाले माँ बाप से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चे को सिर्फ कहते हैं अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई ही नहीं चाहिए भैया, बच्चे को प्यार चाहिए। पढ़ाई से डिग्रियां मिल सकती है, पढ़ाई से सक्सेसफुल आदमी बन सकता है, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकता पढ़ाई बस से। आपका प्रेम चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, आपका सही मार्गदर्शन चाहिए बच्चे को। सिर्फ पढ़ने के लिए आप पैसा कमाने का फैक्ट्री मत बनाइएगा बच्चों को, बच्चे को सही दिशा चाहिए, सही प्रेम चाहिए, सही सम्मान चाहिए, तो आपके बच्चे निश्चित ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मेरे बातें को बड़े ध्यान से सुना, और आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही आयोजन छोटा मोटा जो बन सकता है, मेहनत तो काफ़ी लगती है, काफ़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है। जो आयोजन करते हैं वही जानते हैं, क्योंकि आयोजन हम भी करते हैं, हमारे आश्रम में भी आयोजन होता है। जब आयोजन होता है तो कम से कम 3 दिन 5 दिन तक तो खाना पीना और आसन बिस्तर नहीं दिखता है। हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके जैसे आपके ही घर में जब एक शादी का आयोजन करते हैं कितना मशक्कत होती है,
पूरा खून पसीना एक कर देते हैं, वैसे ही आयोजकों को मेहनत करना पड़ता है। पैसा आप लोग सहयोग कर देते हैं, लेकिन जो मुख्य आयोजक होते हैं उन लोग को भी बहुत मेहनत है, और आप लोगों को मेहनत है। आप लोग नहीं आते इस जगह में सत्संग के आयोजन कर देते, आप लोग सिर्फ सहयोग राशि दे देते और कोई यहाँ आकर के नहीं बैठते, तो मैं समझता हूँ सारा आयोजन बेकार चला जाता। इतना अच्छा आयोजन, और प्रकृति को भी बहुत धन्यवाद है, तेज गर्मी नहीं है, थोड़ा बदल है, आप लोगों को सहयोग कर रहा है प्रकृति भी। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और एक विशेष निवेदन, कबीर आश्रम सकरी में 1 तारीख को कबीर जयंती का आयोजन रखा गया है। कबीर जयंती पूर्णिमा तो 22 तारीख को है, लेकिन 22 तारीख को ही हमारे कबीर पंथ में जितने जगह आश्रम है और जितने जगह है, एक जगह एक साथ आयोजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे कबीर आश्रम सकरी में 1 तारीख को आयोजन रखा गया है। सुबह 8 बजे से लेकर के कार्यक्रम की तैयारी होगी, 8 से 9 बजे जुलूस यात्रा निकल जाएगा, पूरे गांव में एक शोभा यात्रा निकलेगा। उसके बाद में शोभा यात्रा से आने के बाद में लगभग 11 बजे से कबीर विचार गोष्ठी, कबीर विचारों हमारे आश्रम में संत लोग आएंगे। करीब करीब 30 से 40 संतों का आगमन होता है हर साल, और काफ़ी एक जन सैलाब होता है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करके, हो सकता है सबके पास हम व्हाट्सएप के माध्यम से ना भेज सकते, इसलिए हम यहाँ पर सभी को कहने का प्रयास किया है, निवेदन है, आप सभी आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोली सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साए, साहेब बंदगी साए। बोलिए संत समाज की जय। अभी बहुत ही बढ़िया विचार इस कबीर गोष्ठी सद्भावना सत्संग के मन से सुन रहे थे संत श्री अनिल साहेब जी, इंजीनियर अनिल साहेब जी, प्रखर वक्ता निसंदेह। पहले भी कहे थे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कम से कम हमारे क्षेत्र में तो निसंदेह काफ़ी नामी वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जितने भी सत्संग प्रेमी साथी हैं निश्चित ही इनको जानते रहे होंगे। और बातें कुछ और भी थी, मैं भूल रहा। हाँ जी, ज़्यादा बातें नहीं करते। अच्छा, साहेब जी का ये यूट्यूब चैनल भी चलता है, आप प्रयास कीजिएगा अनिल साहेब करके निकालेंगे तो आपको अनिल साहेब जी को ना निरंतर सुनने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया मैंने वक्ता हैं, कबीर विचारों में काफ़ी परिपक्वता रखते हैं निसंदेह। एक बात पुनः बोल ही देता हूँ, मेरे दिमाग आया ही तो अच्छा, वो कबीर जन कबीर 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 जन्मोत्सव क्या बोलते गए, हाँ कबीर जयंती, इस अवसर पे इस पीरियड पे ही आता है, ऐसा कुछ सियान लोगों से भी ऐसा मार्गदर्शन मिला था, तो हो सकता है बाद में भूल जाएं। तो सद्भावना सत्संग समिति की ओर से आप सभी संतजनों को कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और जैसे जैसे बोलते वैसे फिर से एक बार बोल सबला कबीर जयंती के हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ। जे मन समझते कबीरदास जी जन्म होरी से, वो मतलब कबीरदास जी के जन्मोत्सव के जन्मदिवस के बधाई। जे मन समझते कि कबीरदास जी प्रकट होरी से, अवतरित होरी से, वो मतलब कबीरदास जी के सॉरी कबीर साहेब जी के काली अव बोल पड़ रहे हैं, क्षमा चापो कबीर साहेब जी के ओकर अवतरण दिवस के बधाई। बोले के मतलब ये है विरोधाभास रहे थे, ठीक है, मगर बात भी सब ला समन्वय के साथ और संग में लेके चल सकन समाज में, एकर से बड़े बात। हाँ, सद्भावना सत्संग समिति और कुछ कहना नहीं चाहते। आगे आगे इसे, हाँ जी, हमारे मार्गदर्शक मंडल के साथियों की ओर से एक विशेष चाह हो रही है कि कल जो सुंदर विचार सुबुद्धि साहेब जी से हम सुने थे, उनसे निश्चित ही प्रभावित है ये सभा, ये मंच, और आज पुनः है एक बार निवेदन सुबुद्धि साहेब जी से, निवेदन है साहेब जी,
मार्गदर्शक मंडल के साथियों की ओर से एक विशेष चाह कि एक बार हम उनको और सुनने ऐसा, तो साहब जी से निवेदन है कबीर गोष्ठी सद्भावना सत्संग कि इस मन से पुनः अपने कबीर विचारों से, अमृत विचारों से इस सभा को सिंचे। सादर निवेदन पूज्य साध्वी सुबुद्धि साहेब जी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंच पर इस सत्संग स्थल पर बैठे हुए मेरे नेमी प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जन भाई लोग, और इस सत्संग स्थल में बैठे हुए भक्ति एवं शक्ति की स्रोत मेरी भक्तिमती माताएं और बहनें, इस वसुंधरा के गोद में खिलने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चों, मेरे लिए भी सद्भावना सत्संग समिति की ओर से निवेदन हुआ है, सुनिर्देशानुसार मैं आप सभी के बीच में कुछ देर सेवा में मैं भी उपस्थित हूँ। 25 और 26 मई काफ़ी दिनों से इस लम्हे का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी, कब संत गुरुजनों के दर्शन हमें प्राप्त होंगे और उनका विचार सुनने को मिलेगा, और वो घड़ी आज उपलब्ध है। कल का कार्यक्रम हुआ, आज दूसरा दिन और संध्या बेला चल रही है। बहुत ही सुंदर आप लोग अपनी सुंदर उपस्थिति दे करके इस सहमति समिति का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और कल आप लोगों ने सुना नाइट में गुरु शरण भैया जी के भजनों के माध्यम से आप काफ़ी लाभान्वित हुए। अभी हमारे साहिब जी लोगों के विचार सुन रहे थे, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि फूलों की कमी है न बागों की कमी है, फूलों की कमी है न बागों की कमी है, वेदों की कमी है न प्रचारों की कमी है, गुरुदेव तुम्हारे भक्तों को सहारे की कमी है, सहारे की कमी है। बहुत सत्संग प्रचार प्रसार अनेक प्रकार से, पुराणों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से और इस सत्संग के माध्यम से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी महापुरुषों से, गुरुजनों से नहीं जुड़े होंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई संत गुरुजनों से जुड़े हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। मैं कल काफ़ी देर तक आप लोगों के बीच अपनी सेवा दी। मैं अनिल साहेब जी, श्री अनिल साहेब जी की बात सुन रही थी तो मुझे कुछ कहानी याद आ गई। मैं एक कहानी को पहले कह दूं ताकि फिर भूल ना जाऊं। आप सभी लोग ठीक हैं ना, खुश हैं कि खुशी चाहिए? कल मैं क्या कही थी, संत आते हैं खुशियों का उपहार लिए। आप लोग खुश हैं ना? और दो बात बताई थी कि चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए, जो चाहते हैं वो हम दे, सुख चाहते हैं तो सुख दे, खुशी चाहते हैं तो खुशी दे। आप सभी लोगों से मैं यही आशान्वित करती हूँ कि सभी लोग, आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे संत गुरुजनों के दर्शन और वाणी विचारों का लाभ ले रहे हैं। तो साहेब जी की बात सुन करके सबसे पहले तो मुझे एक भजन की कड़ी याद आई, सदगुरु नहीं मिले होते तो
दर दर ठोकर खाते हम, सदगुरु नहीं मिले होते तो, दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में, रो रो कर पछताते हम। यारी दोस्ती में पड़ कर पान तंबाकू खाते हम, यारी दोस्ती में पड़ कर पान तंबाकू खाते हम। ऐसा भी हो सकता था मदिरा भी पी जाते हम। देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। माता पिता गुरु देवी देवता कभी नहीं जान पाते हम। कौन है असली देवी देवता? माता पिता और गुरु, इसको कभी नहीं जान पाते। कहाँ जानते हैं? यहाँ सत्संग में। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिले होते तो क्या करते? बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। जादू टोना ना लग जाए, जादू टोना ना लग जाए, माला ताबीज पहनाते हम, माला ताबीज पहनाते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो, दर दर ठोकरे खाते हम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं कल कह रही थी कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। तो यदि हमें जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, तो अभी भजन के पॉइंटों के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी क्या गति होती, क्या दुर्दशा होती। ये कहानी, ये कविता, ये भजन मुझे याद आई, एक और कहानी याद आई। साहिब जी अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे थे, जिसका हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी घोर विरोध किए। कोई अंधविश्वास कोई पाखंड में न पड़िए, तो इस पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक व्यापारी था, वो रोज कपड़ा बेचने जाता था और एक मंदिर को पार करके दूसरे गांव में जाता था। वो ऐसे ही बेचते बेचते बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उस मंदिर में वो बैठ करके सुस्ताने लगा और कपड़ा बेचने जाता था। उस मंदिर का वो जो पुजारी था, वो सोचा ये व्यापारी जो है काफ़ी थक गया है, ये बूढ़ा हो गया है, मैं इसको एक गधा दे देता हूँ, ये इसमें सामान जो है लाद लेगा कपड़े को, और फिर अपना पेट जो है रोजी रोटी जो है कमाएगा, पेट पालेगा। इस प्रकार से पुजारी जो है दे दिया उनको गधा। अब उस गधे में लाद करके ले जाते थे सामान को। एक दिन क्या हुआ, अचानक गधा मर गया। वो व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्या किया, उनकी एक समाधि बना दी, समाधि बना दी, और समाधि बना करके वहाँ पर कुछ फूल चढ़ाए, अगरबत्ती रख दिए जला करके, और रो रहे थे बैठ करके। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि किसी की समाधि बनाई गई है और कोई इनका प्रिय व्यक्ति है जो मर गया है, ऐसे करके उन लोग भी वहाँ पर जा करके रोने लगे, उनके पास में उनके दुख में सहमति जताने लगे। ऐसे करते करते बहुत लोग इकट्ठे हो गए, सब फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती डालें, और सब उनके पास में रोते गए, चढ़ाते गए। एक दिन क्या हुआ, वो जो मंदिर का पुजारी था वो आया,
वहाँ पर वो भी आया, इतनी प्रशंसा सुनी कि बहुत कोई मंदिर है, कैसे लगता है, क्या है, बहुत लोग फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। तो वहाँ पर वो पुजारी पहुँचा और उस व्यापारी के पास बैठ करके वो भी उनके दुख में हाथ बटाने लगा और कहा, भाई ठीक है कि तुम व्यापार करते थे, लेकिन यहाँ पर जो समाधि बनाई गई है और यहाँ पर लोग इतना चढ़ा रहे हैं, फूल पत्तियाँ पैसे चढ़ा रहे हैं, ये किनकी समाधि है? तो वो व्यापारी कहता है, चुपके से धीरे से कहता है कि पुजारी साहब, आप किसी को कुछ कहिएगा मत, आपने जो ये मुझे गधा दिया था ना, उसी की ये समाधि है, उसी की ये समाधि है। ये बात जब कहे तब जो व्यापारी था, ये बात तो ठीक है कि ये समाधि जो आपने गधा दिया उसका ये बनाया गया है, लेकिन आप जिस मंदिर में बैठते हैं ना, जिसकी पूजा होती है कई वर्षों से, आप जहाँ पर पूजा करते हैं, वो किन की समाधि है? तब वो पुजारी क्या कहता है, तुम भी किसी को मत बताना, तुम भी किसी को मत बताना, ये जो मंदिर है ना, ये गधे के माँ की समाधि है। किसकी? माँ की। एक कहानी से कहने का तात्पर्य ये है कि हम समाधियों के ऐसे किनकी समाधि है पता नहीं, और ऐसे पूजा करते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में पड़ गए हैं। तो ये हुई अंधविश्वास की बातें, जो साहिब जी की बात मैं सुन रही थी तो मुझे ये याद आई। मैं कुछ अपनी ओर से और निवेदन आप सभी के बीच रखूं। कल काफ़ी देर से आप लोगों ने मेरी बात को बहुत सहृदय से, बहुत प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। आज मैं मेरी बहनों, मेरी माताओं के लिए और संस्कारों पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई MLA बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। मेरी बहनें जो हैं घर गृहस्थी को संभालने वाली, वो भी डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनेंगी। लेकिन इन बच्चों में सच्चरित्रता, वीरता, साहस के गुण कैसे लाया जाए? आज के दौर में सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? फैशन और व्यसन। फैशन और व्यसन ये सबसे बड़ा प्रदूषण है हमारे समाज की, जिसमें समय, शक्ति और धन को बर्बाद कर रहे हैं। इस विषय पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि चरित्र एक बहुत बड़ा गुण है। कहा गया है कि गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। चरित्र ही जीवन की आधारशिला है, और उस चरित्र के बारे में पता नहीं है। हम सच में हमारे समाज को सुखी करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, तो आज इसकी सबसे बड़ी समस्या फैशन और व्यसन, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, व्यभिचार वृत्ति बढ़ती जा रही है आज के समाज में। चरित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए दोषी कौन है? कोई व्यक्ति जो है ऐसे ही गलत नहीं बन गया, व्यभिचारी नहीं बन गया, हिंसात्मक नहीं बन गया, डाकू नहीं बन गया, आतंकवादी कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन गया, उसको बनाया गया। जैसे कि बबूल का वृक्ष, छोटा सा पौधा उगा, अंकुरित हुआ, हमने उसको उखाड़ा नहीं, तोड़ के फेंका नहीं, उसको बढ़ने दिया, उसको और पुष्पित पल्लवित किया गया, उसको पानी दिया गया, खाद दिया गया, और एक बहुत बड़ा बबूल का वृक्ष बन गया। इसी प्रकार से कोई बच्चा यदि गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बनाने में कौन कारण है? माता पिता और गुरु। कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको हम रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। सुल्ताना को डाकू बनाने का कारण कौन है? वो माँ।
जब सुल्ताना कैसे डाकू बना, जब छोटा बच्चा था तो कभी पेंसिल चुरा के लाता था, कभी पक्षियों का अंडा चुरा के लाता था और माँ को दिखाता था, माँ देखो मैंने ये चीज लाया। माँ कभी रोकती नहीं थी, बेटा जा तू उसको रख के आ जा, किसी दूसरे का पेंसिल कॉपी लाया है उसको वापस कर दे, कभी ऐसा कहती नहीं थी। और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा डाकू बन गया। उसको जेल में पूछा गया, अंतिम तुमको फांसी देने की सजा सुनाई गई है, तुम किसी से मिलना चाहते हो? तो कहा कि मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब माँ से वो मिला तो क्या किया, उन्होंने माँ के नाक को ही और काट लिया। उनको पूछा गया, तुम इतने बड़े अपराधी, तुमको फांसी की सजा होने वाली है, हम लोगों ने सोचा था शायद जाते जाते मरते मरते माँ को प्रणाम करेगा, और तुमने और उल्टा गलत काम कर दिया। तो वो बताया कि बचपन में जब मैं चोरी करता था, इन चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को चुरा करके लाता था, तो मेरी माँ मुझे रोकती नहीं थी, टोकती नहीं थी, जिसके कारण मैं इतना बड़ा डाकू बना और आज मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के बनने और बिगड़ने के तीन जगह हैं। पहला है घर। घर में, घर जो है पहली पाठशाला है। घर में जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, जैसा हमारा कर्म रहेगा, वैसा ही हमारे बच्चे जो हैं देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और वैसे ही करते जाएंगे। और दूसरा है स्कूल। स्कूल में भी बच्चे 4-6 घंटे ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा तो घर में ही रहते हैं, लेकिन स्कूल में भी यदि सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, टीचर जो है स्वयं दुर्व्यसन कर रहे हैं, तो बच्चों को अच्छी आदर्श, अच्छी प्रेरणा कहाँ से दे पाएंगे। और दूसरा, तीसरा होता है समाज। देखो ये समाज, ये सभा लगी हुई है, ऐसे जगहों में हम यदि अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं, और कहीं मेला, कहीं नाच, कहीं पार्टी, सिनेमा ये होता है, वहाँ अपने बच्चों को ले जाते हैं और भेज देते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। तो ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को लाएं और हम जैसा चाहते हैं बनाना, वैसे हम स्वयं काम करें। तो इस प्रकार से मेरी माताएं जो है पहली शिक्षिका हैं, पहली गुरु हैं। यदि माताएं शिक्षित हो जाए, एक कविता में कहा गया है कि माता तो सभी अहें पुत्र जन्मावनहारी, सच्ची माता है वही जो भाव से दे निकारी। माता मंदालसा थी जो पुत्रों को बनाया संत, सप्त पुत्र संत बने जो किन्हे बंधन अंत। तो सच्ची माता कौन है? सच्ची माता है वही जो भाव से दे निकारी, जो संसार से मुक्त करने की शिक्षा दे, ज्ञान दे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। ये मंदालसा अपने 6 पुत्रों को ऐसा ज्ञान सुनाती थी और 6 पुत्रों को संत बना दिए। एक पुत्र जो राजा बनना था वो भी बना, लेकिन उसको भी एक मंत्र दिया गया, तो अंत में वो भी संत की स्थिति में रहे। तो इस प्रकार से मेरी माताओं से निवेदन है कि आप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं, तो आपको वैसे जीवन जीना होगा। और माताओं से मैं और निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने घर को स्वर्ग में बनाना चाहती हैं, तो कुछ बातें याद रखें मंत्र के रूप में, कि आप जब भी भोजन बनाएं घर में, वो भोजन प्रसाद होता है, जो संत गुरुजनों को, अपने परिवार वालों को हम लोग खिलाते हैं वो प्रसाद के रूप में। तो मेरी माताओं से, मैं गुजरात में रहती थी अभी काफ़ी दिनों से, छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मेरी साध्वी बहनें यहाँ के बारे में कहती थी कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते हैं तो माताएं जो हैं बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँ कि भोजन प्रसाद जो है सुबह से स्नान करके बनाया कीजिए, और भोजन बनाते समय, भोजन बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश करें माताएं, तो गुस्से से नहीं, टेंशन में नहीं, क्रोध में नहीं बनाइए भोजन, नहीं तो वो भोजन नहीं, जहर बन जाएगा।
प्रेम से, करुणा से, अच्छे से भाव लेकर के रसोई में जाइए और प्रेम से भोजन बनाइए। और निष्ठा मैं कहना चाहूँगी कि आप स्नान करके भोजन बनाइए, गुस्से से भोजन ना बनाइए, प्रेम से भोजन बनाइए। और माताएं जो हैं हाथ में अंगूठी पहने रहती हैं, मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगी कि आप नाच में पार्टी में कहीं भी जाते हैं वहां पर आप पहनिए, बट भोजन बनाते समय आप लोग अंगूठी ना पहने तो बहुत अच्छा होगा। और मैं ये एक और निवेदन भोजन के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में माताओं से निवेदन कर रही हूँ कि भोजन प्रसाद बनाती हैं तो मेरी माताएं कपड़े का प्रयोग जो करती हैं, कई घरों में देखने को मिलता है जो भोजन उतारते हैं, सब्जियां, भात जो हैं, दाल जो हैं, पकड़ने का जो कपड़े रखते हैं वो पुराने कपड़े रखते हैं, है ना, जो पहना हुआ अंदर का पहना हुआ, उन कपड़ों का आप प्रयोग ना कीजिए, नया कपड़ा खरीदिए, टावेल, साफी, कुछ भी हो तो नए कपड़े का यूज़ कीजिए। आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, तब वो जाकर के किसी संत गुरुजनों को खिलाने का रहेगा, प्रसाद बनेगा। तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और मैं कह रही थी फैशन और वैशन के बारे में, माताएं जो है श्रृंगार करें, ठीक है, श्रृंगार करती हैं साहेब जी, कपड़ों के बारे में बोल रहे थे हमारे श्री अनिल साहेब जी, वास्तव में सच्चाई का दीर्घ दर्शन करा रहे थे साहेब जी, तो कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े जो हैं किस लिए पहने जाते हैं बताइए, अंग ढकने के लिए, कि अंग को दिखाने के लिए, ढकने के लिए ना, तो इस प्रकार से ऐसा कपड़ा पहने कि हमारे जो है शरीर जो है ढके हुए हों। आजकल फैशन के ज़माने में ऐसे ऐसे शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं जिससे पूरे बॉडी अंग जो है दिखते हैं। किसी ने पूछा कि हम लोग फैशन इतना करते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, तो आपको क्या, आप लोगों पर ये क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को तो कुछ नहीं लगना चाहिए ऐसे करके। तो माताएँ फ़र्क पड़ती है, फ़र्क पड़ता है, फैशन जब करेंगे, अंग प्रदर्शन करेंगे तो आपके मन में भी प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों के मन में प्रभाव पड़ेगा। शरीर को सुंदर दिखाने के लिए आपका भी दैहिक मतलब देह बुद्धि है, आपका मन मैं सुंदर हूँ बहुत और सुंदर दिखूँ इसलिए आप अधिक श्रृंगार करती हैं। तो अति सर्वत्र वर्जे, ज़्यादा फैशन ना करें, जितना आपकी मर्यादा में है उतना ही आप श्रृंगार करें, फैशन ना करें। और कपड़ों के बारे में साहब जी बोल रहे थे, तो इस प्रकार से आप लोग सभी समझदार हैं, मेरी माताएं और बहनें और भाई लोग, तो व्यसन के बारे में भी बोल रहे थे। अब साहब लोग कहेंगे इतना बड़ा बड़ा मंच लगाते हैं, इतना प्रयोजन करते हैं और इन लोग बस खाने पीने के बारे में ही, बस उसी के बारे में बोलते हैं, इतना खर्चा करते हैं। तो जब तक हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं सुधरेगा, हमारा खान पान रहन सहन ही ठीक नहीं रहेगा, तो अध्यात्म की ऊंचाई की बातें हम लोग कैसे समझेंगे, मुक्ति की बात को तो बहुत दूर की बात है। हमारा पहले रहन सहन खान पान सुधरेगा तभी तो हम अच्छे लोगों के सानिध्य में आ जा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपना खान पान रहन सहन सुधारें। मेरा समय अभी बचा हुआ है तो कुछ मैं और निवेदन करना चाहूँगी। आप लोग सभी लोग संत गुरुजन से मिलने आए हैं और सतगुरु कबीर साहेब की एक बहुत प्रिय साखी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत से मिलने के लिए तो आ गए हैं लेकिन साहेब क्या कहते हैं, तज माया अभिमान, माया को अभिमान को तज दो, त्याग करके आओ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे धरे तब कोटि यज्ञ समान।
फिर अगर अच्छी भावना को लेकर के, अभिमान को, अहंकार को, ईगो को त्याग करके आप माया का अहंकार कर कि मैं इस पद में हूँ, मैं सरपंच हूँ, पंच हूँ, कोई भी पद में हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इन सब चीज़ का मेरे पास इतना जमीन है, जायदाद है, इन सब का अहंकार त्याग करके आप संत गुरु के चरण में आते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोटिन यज्ञ समान। और आपको कोई यज्ञ करने की, अधिष्ठान करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अच्छी भावना को लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिक आप सभी का कोटिन यज्ञ हो गया है ना, कोटिन यज्ञ हो गया। तो इस प्रकार से संत मिलन को हम जाए, एक मुझे कहानी याद आ रही है, मैं इसको बहुत ही जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगी, कहानी बहुत लंबी है। इसी कहानी, इस साखी पर आधारित कैसे कोटिन यज्ञ होता है। एक संत 16 साल का मुनि जो है, संत जो है, एक घर में भिक्षा मांगने आया और उस घर में नई नई बहू आई हुई थी। इस कहानी को कहने के पहले एक मैं बात भूल गई, उसको कह दूं कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, मेरी कहानी समाप्त। ये दुनिया की सबसे छोटी कहानी, एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई। आप लोग विचार कीजिए और कर रहे होंगे कि जब बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, है ना, जब बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई, सही बात है ना। तो इस कहानी को समझने के लिए जो मैं कहानी स्टार्ट की थी उस पर मैं चर्चा करूं कि एक संत जी जो थे एक घर में आए भिक्षा मांगने के लिए। पहले अभी तो हम लोगों के सब आश्रम बने बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सक्रिय आश्रम देखे हुए ना, कितना बड़ा है। पहले ऐसे आश्रम नहीं रहता था और संत गुरुजन जो ऋषि मुनि थे भिक्षा मांग करके खाते थे। तो उस समय वैसे ही एक संत जो है भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाम दही करके एक घर में प्रवेश किया। वहाँ से एक बहू रानी निकली भिक्षा देने के लिए और देखती है कि एक छोटा सा संत बहुत नया दिखाई दे रहा है, कम ही उम्र का। वो बहू रानी पूछ बैठती है कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए, और संत जी क्या जवाब देते हैं, मुझे समय का पता नहीं, मुझे समय का पता नहीं। ये बात सुन रहे थे, घर में लेटे हुए थे उस बहू रानी के ससुर जी। देखो मेरी बहू को क्या हो गया है, संत तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं, ठीक समय पर आए हैं, दोपहर का टाइम है, कहीं सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाए तो पूछना बेहतर होता है, बट ये तो दोपहर का टाइम है जो दिखाई दे रहा है, फिर भी पूछ रही है कि इतना जल्दी कैसे आ जाए। और संत देखो संत बन गए हैं इतने बड़े, इनको भी टाइम का पता नहीं है, क्या जवाब दे रहे हैं कि मुझे टाइम का पता नहीं। ये जब प्रश्न उत्तर हुआ उसके बाद बहू जो है, संत जी जो है बहू से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ आपकी उम्र कितनी है। वो बहू रानी कहती है कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 5 साल की है। कितने साल की बताती है, 5 साल की। उनके ससुर जी बिस्तर में लेटे लेटे सुन रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ, लगता है आज मेरी बहू पागल हो गई है, पूरे 20 साल की है और कह रही है 5 साल की, कैसे उल्टा सुल्टा ये जवाब दे रही है। तभी नेक्स्ट प्रश्न पूछता है संत जी कि आपके पति के उम्र कितने हैं। तो बहू रानी बताती है कि मेरे पति के उम्र तो अभी 2 साल के हैं। कितने साल के, 2 साल के। फिर उनके ससुर जी जो है माथा ठोक लेता है कि देखो मेरी बहू को मैं कितना ज्ञानी समझता था और ये तो पूरा संत जी जो पूछ रहे हैं उनका उल्टा सुल्टा जवाब दे रही है। तभी क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं कि आपके सासू माँ की उम्र कितनी है। बहू रानी उत्तर देती है मेरी सासू माँ की उम्र
छः महीने की है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उनका ससुर जी, वो तो लेटे हुए थे, उठ करके बैठ जाते हैं कि देखो बहू रानी कैसे जवाब दे रही हैं, इनकी माता जी जो है 60 वर्ष की है, उनको 6 महीना बता रही है, इनकी खुद की उम्र 20 साल है उसको 5 बता रही है, इनके पति की उम्र 25 साल के हैं उसको 2 साल के बता रही है, ये कैसे उल्टा सुल्टा दे जवाब दे रही है। अब बारी आती है उनके, अब तो वो उठ के बैठ जाते हैं और बिल्कुल कान लगा करके सुनने लगते हैं कि अब ये मेरी क्या दुर्दशा करेगी, क्या हालत बनाएगी ये मेरी। तभी संत जी पूछते हैं तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है, तो बहू रानी जवाब देती है कि मेरे ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, मेरे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। ये बात जब सुनते हैं तो उनके ससुर जी हाथ में लाठी उठाते हैं और बताते हैं कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, कल की ये आई छोकरी कहती है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं बताता हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। इस प्रकार से आने लगते हैं। संत जी जाते जाते एक और प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ बेटी, तुम इस घर में ताज़ा भोजन करती हो कि बासी भोजन करती हो। बहू रानी आंसर देती है कि इस घर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि इस घर में मुझे ताज़ा भोजन करने को मिले, मैं इस घर में जब से आई हूँ मैं तो रोज़ बासी भोजन करती हूँ। इस प्रकार से आंसर प्रश्न उत्तर हुआ। संत जी जाने लगे, चलने लगे, इधर ससुर जी आए और बहू पर बरस पड़े कि जब तुमको प्रश्न पूछने नहीं आता तो संत जी से कैसे पूछ ली कि इतने जल्दी क्यों आ गए। बहू रानी कहती है कि मैंने अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया, आपको यदि गलत लगता है तो संत जी को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि मेरा आंसर जो है गलत है कि सही। संत कहीं दूर नहीं गए थे, उनको बुलाया गया और ससुर जी उनको बोलने लगे आज तक हमने यही सुना था कि घर में संत आते हैं तो वो घर पवित्र हो जाता है, और आज हमारे घर आप आए तो हम लोगों के घर में तो महाभारत छिड़ी हुई है। तो संत जी कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, सही सही बताइए। तो मेरी बहू जो है आप आए भिक्षा लेने के लिए तो आपसे वो प्रश्न पूछे कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए। मेरी बहू की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, उनको प्रश्न पूछने नहीं आया, उल्टा सुल्टा पूछ लिया। संत जी कहते हैं कि आपकी बहू रानी जो है ना बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, सुसंस्कारी है, वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं, हमारे जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं थे वो आपको गलत लगते होंगे लेकिन हमारे प्रश्न उत्तर आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर हैं। तो बताइए कि आपको पूछा गया कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए तो इसका मतलब क्या था कि इतना जल्दी आप संत कैसे बन गए, इतना जल्दी आप संत कैसे बन गए। और मैंने जो उत्तर दिया, मैंने कहा समय का पता नहीं, इसका मतलब हाथ की घड़ी से नहीं जिंदगी की घड़ी से इसका मतलब है कि मौत का ठिकाना नहीं, जिंदगी का ठिकाना नहीं कि मौत कब आ जाए, इसलिए मैंने जल्दी से संन्यास ले लिया, साधु बन गया, मुनि बन गया, इसलिए मैंने कहा कि समय का कोई पता नहीं। आज हर चीज़ की वारंटी और गारंटी है कि ये वस्तु इतने दिन तक टिकेगी, बट जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब मौत आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि समय का पता नहीं। और आगे जो है प्रश्न, ये बात उनको समझ में आ गई, फिर बात कहते हैं कि अच्छा ये बताओ बेटी तुम अपना उम्र 5 साल कैसे बताई हो। तब कहती है कि मैं अपने पिहर में, अपने मायके में अच्छे से घर में पली बढ़ी, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह जिंदगी जिंदगी ही क्या जो सिर्फ खेलने खाने कूदने में ही बीत गए, वो सार्थक जिंदगी नहीं है मेरा असली जिंदगी। जब मैं ससुराल आई तब मेरे सहेली के साथ में सत्संग सुनने गई, गुरु दीक्षा ली, तब मेरा असली जीवन शुरू हुआ। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहें। तब मैंने गुरु दीक्षा लिया, धर्म के रास्ते में चली, तभी मैंने कहा कि मेरा उम्र भी सिर्फ 5 साल के हुए है ना।
तो इस प्रकार से बात फिर आगे बढ़ती गई, बारी आई उनके पति जी के। अपने पति जी की उम्र कितने बताए रहती हैं? 2 साल की है ना। तो कैसे तुम्हारे पति 2 साल के, तो बताती हैं कि मैं बहुत अथक परिश्रम करके जब मैं सत्संग से जुड़ी, गुरु दीक्षा ली, तब मैंने सोचा कि मेरे पति जो है वो भी सत्संग में जाते, धर्म में लगते, दया क्षमा प्रेम करुणा इस धर्म के रास्ते पर चलते तो कितना अच्छा होता। अथक परिश्रम करने के बाद मेरे पति सिर्फ 2 ही साल हुए हैं उनको गुरु दीक्षा लिए सत्संग करते हुए, इसलिए मैं बताई कि मेरे पति का उम्र 2 साल की है। बात आती है उनके सासू माँ की, तो अपने सासू माँ के बारे में भी बताती है कि मेरी माँ जो है मेरी बात मानती नहीं थी, और मैंने बहुत व्रत उपवास करके अपनी माँ को समझाई कि माँ सत्संग में जाया करो, संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। इस प्रकार से मैं बात बताई तो मेरी माँ जो है समझी, और अभी उनको सिर्फ 6 महीना ही हुआ है। और बात आती है ससुर जी के, तो जब आप हमारे घर में आए तो मेरे ससुर जी घर में ही थे, लेकिन आपको ना प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, ना भाव बंदगी किया, ना आपको भोजन के लिए पूछा। मेरे ससुर जी की हालत तो ऐसी है, उनका खान पान रहन सहन सब बिगड़ा हुआ है, मांस खाते मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, रोज सुबह उठते हैं और दुकान में जाते हैं, बस इतना ही उनका धंधा है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते ही नहीं, गुरु दीक्षा लिए ही नहीं, अच्छा कुछ काम करते ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अभी वो पैदा ही नहीं हुए हैं। सारी बातें उनको ससुर जी को समझ में आई। मैं बहुत फास्ट, समय मेरा हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस प्रकार से उनके ससुर जी को समझ में आई बात, और कहने लगी कि वास्तव में तुम तो कहने के लिए मेरी बहू हो, लेकिन आज से तुम मेरी गुरु हुई। लेकिन बेटी तुम संत जी से एक प्रश्न बहुत झूठ ही बोली हो पूरा, कि तुम रोज इस घर में ताज़ा भोजन करती हो, और कही कि मैं रोज डेली बासी भोजन करती हूँ, ये तो सरासर झूठ बोली हो। तभी बहू रानी कहती है कि जो पहले का कमाया हुआ धन है, जो प्रारब्ध में जो मिला हुआ है, उसी को बस कमा रहे खा रहे हैं, अभी कोई पुरुषार्थ करते नहीं, कोई दान पुण्य करते नहीं, संत गुरु के चरणों में कोई सेवा बंदगी करते नहीं। तो जो पहले सुबह का बचा हुआ या शाम का बचा हुआ सुबह बासी हो जाता है, तो उसी प्रकार से पहले कमाया हुआ धन को खा रहे हैं, उसी पे हमारी जिंदगी चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बासी भोजन करते हैं। इस प्रकार से सारी बातें समझ में आ गई, और सेठ जी जो है कहने लगे कि अब से मैं दान पुण्य करूँगा, धर्म करूँगा और गुरु दीक्षा लूँगा। तो उसी दिन उनका जन्म हुआ। जब उस संत के पास में, गुरु के पास में झुके, तो संत जी ने कहा कि अभी अभी तुम्हारा पैदा, अभी अभी तुम पैदा हो रहे हो, अभी अभी तुम्हारा जन्म हो रहा है। आप लोग वो बुढ़िया बचपन में कैसे मर गई समझ गए होंगे, जिसने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, वो बचपन में ही मर गए, मर गई बुढ़िया। तो अब हम काउंटिंग कर सकते हैं कि हम 1 साल के हुए हैं, कि 2 साल के हुए हैं, कि हम भी अभी पैदा नहीं हुए हैं, कि अभी अभी पैदा हो रहे हैं, हम गिनती लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से कल और आज मैंने कुछ कुछ आप सभी से निवेदन किया। आप लोगों ने बहुत प्रेम और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरी बातों को सुने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, और इस सद्भावना सत्संग समिति को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पूज्यवर श्री साहेब जी विराजमान हैं,
बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। हेलो, हाँ साहेब जी का, सुबुद्धि साहेब जी का कार्यक्रम समापन हो गया। अब इसके बाद आप लोगों के बीच में सक्रिय आश्रम से आए हुए संत श्री गुरुजतन साहेब जी विराजमान हैं, उनके वाणी को भी आप लोग सुनने के लिए आप लोग यहाँ, समय कम है, संध्या काल का समय है और माइक के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं बाहर में बैठ करके, तो बाहर में बैठ करके नहीं, आप लोग पिंडाल में आकर के साहेब के वाणी वचनों को सुनिए, तभी आप लोग लोगों को ज़्यादा सार्थक होगा। समय को देखते हुए और जो नए लोग आएंगे वे आरती सजा करके लेकर के आएंगे, साहेब जी के कार्यक्रम के बाद आरती पूजा सब होगा, तो उसी तैयारी के साथ आप लोग आएंगे। धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। बोले संत समाज की, ये बात अभी लगी थोड़ा। हाँ तू दोने तोने, हाँ रेती कुछ निकल गएगा। हाँ अभी आज दो दिवसीय कबीर गोष्ठी जो सद्भावना सत्संग अभी हो रही थी कल से, वो अंतिम की ओर जाने वाली है। आखिरी अंतिम वक्तव्य हम हमारे पूजनीय गुरुदेव सक्रिय आश्रम वाले संत श्री गुरुजतन साहेब जी से सुनेंगे और निश्चित ही सुनेंगे। तो जितने भी आसपास में सत्संग प्रेमी साथी हैं, कबीर विचारों को सुनने का अवसर इस आयोजन में, मतलब संतों के मुख से, अभी ये वाले बेले पे, ये पाली पे, मने बीच में अभी भोजन अवकाश हो गया भी है, आप मतलब बीच में अगर सती ले हों कबर एक बात, फिर कार्यक्रम में एकदम ना गति आ जाते, समझ नहीं आए कि का संदेश प्रसारित करन और कहानीकरण करके थोड़ा कुछ कुछ बात आप संबंध जानते छो। मुर बोले कि मतलब ये भेंट बंदगी के काम है, अंतिम वक्ता के बाद पूजा के समय यहाँ से निश्चित ही हो ही उतका बेर करूँ, ये सब स्थल जाना था और तीर तीर के दाई माई मन है ना आरती वगैरह और बनाए के रखूँ तो ला दू तो भूल बढ़िया हो जाए, काबर थाली ज़्यादा रही ना तो जल्दी जल्दी भी करत बंद से है ना। बाकी प्रोसेस मन है वही एक फ्लो में जैसे हमेशा करते थे वही ढंग से, तो मगर अभी भेंट बंदगी के लिए अभी नहीं जाना है, ये तुरंत उतर जाऊं कि यहाँ आ जाऊं। एक मिनट साहब जी, थोड़ा से सियान मन से चर्चा कर लेता हूँ। हाँ बोलिए सतगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी साहेब। हमारे मार्गदर्शक मंडल के साथियों की ओर से संकेत आ रही है कि निश्चित ही हम आज के इस बेले के अभी जो भोजन अवकाश के पहले वाले के आखिरी वक्तव्य की ओर जाएंगे, तो हमारे बीच उपस्थित है परम पूज्य संत श्री गुरुजतन साहेब जी से सादर निवेदन है कि इस कबीर गोष्ठी सद्भावना सत्संग की से मंच में कबीर विचारों से परिपूरित करने की महान दया करेंगे, कृपा करेंगे, सादर निवेदन गुरुदेव जी।
बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय जासु कृपा दिन करन करी ब्रह्मतम देत नसाय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। जरा आवाज बुलंद होनी चाहिए, दोनों हाथ उठो ऊपर करके जरा जोर से जयकार लगाए। हेलो, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। आज के यज्ञ कराने वालों की जय। बंदनी संत समाज, उपस्थित निर्छिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, कबीर विचार गोष्ठी, कबीर के विचारों को, सद्गुरु कबीर के विचारों को एक घंटा दो घंटा जो समय मिला है इसमें कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कबीर के विचार को समझने के लिए पूरे जिंदगी की जरूरत है, पूरे जिंदगी की। लेकिन अभी हम सब यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, भाइयों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अभी हमारे बीच में साध्वी सुबुद्धि ने बताई, एक बहू रानी ने अपना जीवन परिवर्तन किया, पति के जीवन को परिवर्तन किया, सास के जीवन को परिवर्तन किया और ससुर के भी जीवन को परिवर्तन किया एक लड़की ने। और आप सब के घर में भी इतने ही सदस्य होते हैं, यदि आप लोग जग जाएं, सतगुरु कबीर कहते हैं संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे के बनी है, शब्द ही कोई न विचारे, पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। पद लंबा है लेकिन सतगुरु के एक एक वाक्य है अनमोल है, चिंतन करें विचार करें। संतो बोले ते जग मारे, हे संतो मैं सत्य बात को कहता हूँ तो जगत के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मारने के लिए दौड़ते हैं और उसके मार को मैं डर जाऊं घबरा जाऊं तो भी नहीं बनेगा, लेकिन भले मार खाऊं तो खाऊं लेकिन बोलने से मैं चुकूंगा नहीं। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयो, पहले जन्म किसका होता है, माता पिता का होता है कि पुत्र का होता है। आप लोग कहेंगे बिना पिता के बिना माता के पुत्र कैसे आएगा, लेकिन सतगुरु कहते हैं नहीं, पुत्र का जन्म पहले होता है और पिता का जन्म माता का जन्म पाछे होता है। आप लोगों का आश्चर्य लगेगा, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले थे कैसे बनी है, शब्द ही कोई ने विचारे, शब्दों को कोई विचार नहीं करता है। कौन से शब्द, पहले जन्म पुत्र का भयो, पुत्र का जन्म पहले होता है, पिता का माता का जन्म पाछे होता है। कैसे, कोई भी नर और नारी वैवाहिक संबंध में पति और पत्नी बन जाते हैं,
पति और पत्नी बन जाते हैं, लेकिन जब तक से उसको संतान नहीं होगा वो माता पिता नहीं बन सकते हैं, जिंदगी में माँ बाप नहीं बन सकते हैं जब तक से संतान का जन्म नहीं होगा। संतान का जन्म होता है तब वो माँ बनती है, वो पिता बनते हैं। बिना संतान के, पुत्र के जन्म हुए बिना माँ बाप नहीं बन सकते हैं। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। बाप पुत्र की एक नारी ई अचरज कोई काछे। बाप और पुत्र दोनों के नारी एक है, एक नारी। नारी चाहे दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, नारी के आकृति दोनों का सबका एक समान है, एक समान है, दो नहीं है। चाहे वो दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, नारी का शरीर एक समान है। पहले जन्म पुत्र का भाई वो बाप जन्मिया पाछे, और बाप पुत्र के एक है नारी ई अचरज कोई काछे। नारी एक ही नारी, एक समान नारी के तात्पर्य है। यानी ये माताओं का सुधार हो जाए, जैसे उस बेटी का सुधार अपने नैहर में कर लिए थे और आकर के ससुराल में पति को, सास को, ससुर को, सबको सुधार लिए, सबके खान पान को सुधार लिए। आज हो हल्ला हो रहा है पूरे देश में, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम सबसे आगे हो रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे छोटा राज्य है, छोटा राज्य है पूरे देश में, लेकिन शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ सबसे आगे हो गया, एक नंबर में छत्तीसगढ़ आ गया। उसका कारण क्या है? ये सामने में बैठी हुई नारियां हैं। जैसे वो बहू रानी सुधार कर लिए, वैसे ही आप सब भी अपने पति को, पुत्र को, ससुर को, देवर को, जेठ को भी सुधार कर सकते हैं। बस कैसे? उनके चरणों में विनियमनत हो करके, चरणों में झुक करके आप ये सब चीज ग्रहण करेंगे। मद्य, मांस, गुटखा, तंबाकू, तो हमारे आने वाले पीढ़ी संतान का क्या दशा होगी, संतान का क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं। इसलिए भविष्य को देख याद में, दिमाग में रख करके आप अपने को जगाइए, नारियां जाग जाए। जैसे अभी इस सत्संग समिति में, सद्भावना सत्संग समिति में श्री लत्तू राम जी का छोटा सुपुत्र धीरेन्द्र जी, लोग कहते थे कि धीरेन्द्र के बारे में स्कूल में भी जाते थे, वहाँ के सर लोग भी कहते थे ये लड़का है, मास्टर तो बन गया है लेकिन इसका दिमाग सही नहीं लगता है। अब गांव में भी वैसे कहते थे, लेकिन आज धीरेन्द्र अकेले आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल बना लिए और सबको अपने में जोड़ लिए आगे बढ़ करके। ऐसे ही आप सब भी बुलंद आवाज करें, अपने घर में खुद जागें और परिवार को भी जगाएं। घर में मजाल है कि कोई गुटखा खाए, कोई तंबाकू खाए, कोई तंबाकू बीड़ी पिए, कोई गांजा पिए, कोई दारू पिए। सच्चे विचार सभी कबीर गोष्ठी मनाने का तात्पर्य यही होगा, आप सब जागें, जागें, सतगुरु कबीर के वाणी को चिंतन करें, मनन करें, उसका पाठ करें,
सदगुरु कबीर के आप अनुयायी बनते हैं, लेकिन एक साखी शब्द जैसे अभी मैंने आप लोगों ने सुना, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान होना चाहिए आपके एक एक कर्म। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम जागेंगे तो औरों को जगाएंगे। आपके कलेजा है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिका, एक पिता है, एक पिता एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र है अभी 1.5-2 साल का है, पिता क्या करता है, पिता है राजगिरी के काम करता है, मिस्त्री के काम करता है और खूब दारू भी पीता है, पिता पीता भी है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे को यदि पीने से बचाना चाहते हो तो तुम छोड़ दो, छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ सकते हो तुम अपने पिता पुत्र को किसी संतों के आश्रम में सुपुर्द कर दो, न वो संतों के पास दे सकते हैं अच्छे इंसान बनने के लिए, न ही वो दारू छोड़ सकते हैं, गुटखा छोड़ सकते हैं। इतना लाचार, धन तो कमाता है लेकिन धन को कहाँ खर्च करता है, व्यसन में। नारियां फैशन में खर्च कर रही है तो पुरुष व्यसन में खर्च कर रहा है, तो संतान की क्या दशा होगी। इसलिए जागें, आज के इंसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और कैसे जागेंगे, जब तक से संतों के सत्संग में नहीं आएंगे। ये संत समागम करने का तात्पर्य क्या है, सद्भावना सत्संग समिति। सद्भावना, भावना हमारा दूषित है गलत है, उस भावना को अच्छा बनाने के लिए सद्भावना, अच्छे भावना बने, अच्छे विचार बने, हम जागें और औरों को जगाएं। कोई आपको पूछेगा कि पिताजी मामा पापा ये कबीर विचार गोष्ठी क्यों रखा गया है, तो आप क्या उत्तर देंगे, क्योंकि कबीर के विचारों पर आप खुद ही नहीं जानते हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा सदगुरु कबीर का जन्म कहाँ हुआ, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। वो कबीर कौन है, वो है सबके घट में निवास करने वाला आत्मा है। आत्मा को जानो, वो आत्मा पानी से पैदा नहीं होता है, माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं होता है, शरीर के पैदाइश होता है माँ बाप के द्वारा, लेकिन आत्मा का नहीं। ना ही आत्मा में कोई श्वास है, अन्नहार करता नहीं, आत्मा के लिए कोई आहार की आवश्यकता ही नहीं है, अन्नहार। तो आत्मा के लिए कौन सा आहार है, सद ज्ञान सद विवेक सद शिक्षा सद आचरण आत्मा का है, उसी के लिए ध्यान चिंतन सुमिरन भजन की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर का शरीर भी किसी माँ बाप के द्वारा ही हुआ है, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति, तुमरे तो सब महते उपजे अस हमरे नहीं रीति। बिना माँ बाप के किसी के जन्म नहीं होता है, बिना माँ बाप के किसी का जन्म नहीं होता है। और ये बात कहाँ से आती है, गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, जब राम है चारों भाई राजा जनक के यहाँ बारात में गए थे, थोड़ा निवास में थे भोजन में, उस समय वहाँ जनकपुर के नारियाँ कहती है, अयोध्या के नारी कैसी है, अति उदार अत्यंत उदार है, करतूतदार। वहाँ की नारियाँ तो बाजीगरी है, वहाँ के नारियाँ कैसी है, खीर खाए पैदा सुत करती, वहाँ के नारियाँ तो
खीर खा करके पैदा करती है सूत्र को, पुत्र को। पति के कोई कामना ही काम ही नहीं है। इतना बात सुन करके महाराज राम, भगवान राम कहते हैं, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहू आन की बातें। अरे को नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सम्मते उपजे अस हमरे नहीं रीति। हे सखियों, को नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बिना माता पिता के किसी का जन्म होता है न होगा। लेकिन मैं तो सुना हूं, राम कहते हैं, मैं तो सुना हूं कि जनकपुर के नारियों के लिए, बच्चों के लिए माता के भी जरूरत नहीं है। अयोध्या की नारियां, माता ने जन्म दिए हम सबको, लेकिन यहाँ तो जन्म देने के लिए माता के भी जरूरत नहीं। सीता कहाँ पर जन्म लिए? वहाँ पर अकाल पड़ा था और राजा जनक रात्रि में हल चला रहे थे। उसी में समय में सीता कहते हैं, जब हल के नांगर के जो कोण फटता उसको भी सीता कहा जाता है, लेकिन उसी में एक मटका में वह बालिका रखा था। हल चलाते समय राजा जनक को वह सीता बालिका के रूप में, शिशु के रूप में मिला, वही पाल पोष करके राम के अर्धांगनी बनी है। तो इस प्रकार से किसी का जन्म बिना माँ बाप के होता नहीं, उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर के भी जन्म किसी माता पिता ने दिया है और वही आगे चल करके महान सद्गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए और 120 वर्ष तक उनके धड़ में प्राण रहे और हिंदू मुसलमान दोनों को जगाते रहे। भाई रे दू जगदीश कहाँ ते आया, कौ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा, कहन सनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। कहने सुनने का दो है। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों का बोलबाला बहुत तीव्र था। हिंदू और मुसलमान, हिंदू में ब्राह्मण और मुसलमान में मुसलमान भाई थे, दोनों अपने हम सुधरेंगे तो हमारे संतान सुधरेगा। इस प्रकार से कबीर विचार गोष्ठी मनाने का तात्पर्य यही है। आप सब सत्संग में आए हैं, सत्संग करने का लाभ यही है। आप सब जागो, सद्गुरु कबीर के बीजक का चिंतन करो, संतों के पास आते जाते रहो, सत्संग करते रहो। सद्गुरु संतों के दिया हुआ जो साहित्य है उसका मनन चिंतन पठन पाठन करें। केवल धन ही सब कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा है तो मैं बोल रहा हूँ, आत्मा है तो आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आत्मज्ञान सबको होना चाहिए।
जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। काया का गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है, चाह तेरा होता नहीं, लिखा भाग का होना है। मेरा और तेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। अरे दौलत का गुमान न कर, ये तो हाथ का मैला है, राजा है तो रंग कोई सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी कब पल में पलट जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। अरे रिश्तों का गुमान न कर, ये तो दुनिया से तो कोई आस न कर, तरना है तो बहु सागर तर, गुरुदेव का सुमिरन कर। भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। बंधुओं देवियों याद रखो, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए। जन्म तिथि तो हर कोई बता सकता है, लेकिन मृत्यु कब आए, डेट कब हो जाए, उसका कोई नहीं जानता। इसलिए सबको जागना है, अपना जीवन को निर्मल बनाना है, हर व्यसन से अपने को बचाना है, तभी हमारे संतान भी जागेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जागने का समय है। मैं इस कार्यक्रम कराने वाले सद्भावना सत्संग समिति के सभी सदस्यों को और खास रूप में इस आयोजक के मेन हैं धीरेंद्र जी, उनको हमेशा हजार बार उसको कोटिशा धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से काम में इकला चलो, कोई साथ दे या मत दे, इकला चलो धर्म के काम में, तभी हम जागेंगे औरों को जगाएंगे। नाम भी अमर होगा वैसे काम भी होगा। इस प्रकार से आप लत्तू राम जी के सुपुत्र हैं, और लत्तू कितना धन्य अपने जीवन को धन्यवाद मनाता है कि मेरा बेटा तो इस रास्ता में नहीं चलता है, लेकिन आज दोनों बेटा उसके इस रास्ता में चल रहा है, बहुत ही खुशी है। इस प्रकार से उनके दोनों बेटों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इस प्रकार से निरंतर और गतिशील रहें धर्म के कार्य में, सत्संग के कार्यक्रम में, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की।